हालेलुया। आओ असीं सब जन अपने हथां नूं परमेश्वर दी वल उठा के, स्वर्ग दी वल उठा के, असीं सब जन दिल तो मन तो प्रार्थना दे विच जावांगे और अपनी अखां नूं बंद करके अपने सिरां नूं सच्चे परमेश्वर दे अगे झुका के अपने हथां नूं उठाउंदे असीं प्रार्थना दे विच जावांगे सब जन। हे सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है मेरी यहोवा खुदावन परमेश्वर, इस धरती और आकाश नूं बनाउण वाले मेरे खुदावन परमेश्वर, सचमुच तेरा अनुग्रह तेरी दया साडे जीवनां जो होई आ और सदा ही होंदी रहे मेरे खुदावन परमेश्वर। अज तेरा जलाल तेरे कलीसिया तेरे लोगों के उत्ते आए मेरे खुदावन परमेश्वर, अज तेरा पवित्र वचन साढ़े जीवन के आए मेरे यहोवा परमेश्वर, अज अपने दास के द्वारा पवित्र वचन जी लोड़ आ सानू जी जरूरत आ परमेश्वर सानू अज तू सानू देन जा रहा मेरे खुदावन परमेश्वर। असी सब गल्लां तुहाडा थैंक्स करदे तुहाडा धन्नवाद करदे अज दे दिन दे लई ऐ मेरे खुदावन परमेश्वर, जिन्ने भी लोग आए आ सचमुच इन्हां दे जीवन दे विच वड्डी आशीष वड्डी ब्लैसिंग का कारण जान बन जाना मेरे खुदावन परमेश्वर। ऐ मेरे यहोवा परमेश्वर हर एक नूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देना मेरे यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर जिनी भी कलीसिया वा सब दे कोल अपना बहुत सारा काम आप लै चुके जो मेरे खुदावन परमेश्वर, मेरे खुदावन परमेश्वर अज वर्शिप के दौरान हर एक दे मन नूं दिल नूं आप छू चुके जो मेरे यहोवा परमेश्वर। हर एक जन अज इत्थे रूह और आत्मा दे नाल भर जाए मेरे यहोवा परमेश्वर। जिन्हें भी किसी के रुके हुए काम आ सब बंधन अज टुट जाना, हरेक काम इन्हां दी जिंदगियां दे विच बन जाए मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की वड्डी महिमा आए, तेरा जलाल इस जगह पर आए मेरे यहोवा परमेश्वर। अज सचमुच परमेश्वर अज वड्डे मसे दे नाल तुसीं इस जगह पर अपने लोगों के अपनी बिग सामर्थ नूं प्रगट कर चुके जो परमेश्वर। असीं सब गल्लां लई तुहाडा धन्नवाद करदे मेरे खुदावन परमेश्वर। सचमुच पिता ये मिनिस्ट्री नूं तुसीं बहुत सारा ब्लैस कर चुके जो परमेश्वर, हर एक की जिंदगी तो बहुत सारा फल लैके आ चुके जो मेरे खुदावन परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता जो साडी नींह आ जड़िया परमेश्वर और चंगियाईयां ते नहीं परमेश्वर, तेरे वचन ते स्थिर होए परमेश्वर, साडा जीना मरना मेरे खुदावन परमेश्वर ताडे विच होए, साडा जीना और मरना मेरे यहोवा परमेश्वर ताडे विच होए। परमेश्वर सचमुच असीं पुकारदे आं, असीं मंगदे आं कि पिता तू साडियां जिंदगियां च कुछ भी काम करे चाहे ना करे, तू साडा यहोवा परमेश्वर आ। परमेश्वर साडा प्रेम साडा प्यार इवें तेरे विच और भी वधदा जाए मेरे यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर सानूं सदा दे लई संभाल के रखना मेरे यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर वर्शिप टीम नूं बहुत सारा ब्लैस कर चुके जो मेरे खुदावन परमेश्वर, असीं उन्हां नूं तुहाडे हत्थां च देने मेरे खुदावन परमेश्वर, उन्हां दे उत्ते गाउण दा मसा देना मेरे खुदावन परमेश्वर। ऐ मेरे यहोवा परमेश्वर सब गल्लां लई असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता। अज दी संगती नूं सचमुच पिता तेरे जलाली और पाक हत्थां दे विच दिंदे हां और मंगदे हां सब गल्लां लई मेरे खुदावन परमेश्वर, प्रभु गुरु यीशु मसीह दे सामर्थी और जिंदा जलाली नाम दे विच। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और असीं सब जन अपनी अखां नूं बंद करके सब जन मिल के आराधना दे विच जावांगे और पूरे दिल तो पूरे मन तो अपने मन नूं सच्चे परमेश्वर दे नाल लगावांगे। हेलो 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 असी सब जन सच्चे परमेश्वर जी दे लई जोरदार क्लैपिंग करांगे और जो परमेश्वर जी ने अपने दास नूं ठहराया साडी उन्नति दे लई असीं उन्हां दे लई वी जोरदार क्लैपिंग करांगे। आप अपना मन नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे नाल लावांगे, अखां नूं बंद करके मंगांगे हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने जलाल नूं अपनी महिमा नूं परमेश्वर इस मंडली दे अंदर भर मेरे यहोवा। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जामा, खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जामा, हजूरी तेरी तो छुप के
आमीन। हालेलुया। माइक दिवास आवाज सुनते असि थैंक्स कर दे उस परमेश्वर दा होली स्पिरिट दा असि स्वागत करांगे पवित्र आत्मा दा अस ते दिन दे लई कि साडे विचकार कौन मौजूद है अज असि कीदी हजूरी विच है समझ गया क्योंकि परमेश्वर की हजूरी जीवत है जीवत परमेश्वर की हजूरी जीवत है जीवत वाज थोड़ी सॉफ्टनेस करो माइक की साफ माइक की वाज थोड़ी साफ कर दो जीवत परमेश्वर की असी जीवत हजूरी विच है बोलो की असी जीवत हजूरी विच है अगर असी मुर्दा समान है बोलो की हाँ मुर्दा मुर्दा जिमें मुर्दे व्यक्ति नू कोई आस नहीं होंदी जिमें दाऊद कहता मैं परमेश्वर जिउंदा ही मैं जिउंदा ही की करांगा तेरा बोलो मैं जीवत ही की करांगा धन्यवाद करांगा क्योंकि परमेश्वर की जड़ी जीवत हजूरी है जीवत लोगों लिए इसलिए उन्हें तुम मरियों तो की किया बोलो की किया अज सुनोगे अज अस प्रभु आत्मा जो मैंने दस रहा अस सुनोंगे पर मैं सिर्फ तुम इन्ना दसना चाहना गया कि अगर जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी विच बैठे हाँ तो अलर्ट हो जाओ चौकस हो जाओ अपने आप को बिल्कुल कस लो टिले टुले लोग की हो जाए अपने आप कस लो पूरी तरह बोलो की कर लो बुरे एक्टिव सुस्त लोग परमेश्वर पा नहीं सकते सुस्त नहीं होना बोलो की नहीं होना हर गल नु सुन विच चौकस रहो तोड़े कन मन तन सब किदी वल लगा रहे क्योंकि मैं परमेश्वर आत्मा कह रहा कोई दविंदर नाम दी कोई लेडीज नू वो काफी दिन तो परेशान आ दविंदर नाम दी पर प्रभु दा आत्मा मैं दस रहा उन्हें परमेश्वर सूर्य और आजाद कर रहे अच्छ बोलो की कर रहा उन्हें दविंदर नाम दे परमेश्वर की कर रहा सी कौन है दविंदर नाम थोड़े बिच कोई है नहीं है तो आ जाएंगे बोलो अगर नहीं है तो आ जाएंगे पर परमेश्वर आत्मा कह रहे उन्हें फ्री कर रहे उसी इसी हजूरी दे विच नहीं हो पर परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तुहाडे साथ है तुसी उहदे साथ होण दा की कर लो फैसला कर लो अज तो की कर लो अपने जीवन का एक फैसला फैसला ले लो इस करके असी बहुत और भी अपने मन नू परमेश्वर नाल पूरी रूह अते आत्मा नाल की करांगे लगावांगे ठीक है असी पूरे दिल तो पूरी रूह तो परमेश्वर दी प्रेजेंस उहदी जीवत हजूरी दे लई रूह ते आत्मा नाल भर के उहदी की करांगे आराधना करांगे क्योंकि आराधना में क्या मिलता है छुटकारा मिलता है ठीक है आओ असी और भी आराधना चाहवांगे प्रभु हेलो 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 यहोवा जिंदा खुदा जलाली जिंदा खुदा बड़े बड़े काम करेगा वो सबकी जिंदगी में यहोवा जिंदा खुदा जलाली जिंदा खुदा बड़े बड़े काम करेगा वो सबकी जिंदगी में आ यहोवा जिंदा खुदा
बड़े बड़े काम करेगा, वो
अपना जो दिल से मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ मेरे प्रभु, अपने बड़े बड़े काम को कर मेरे जीवन में रहकर, कारो प्रभु मेरे जीवन में आ। परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं इस वर्शिप सॉन्ग के लिए। गुनाहों में दबा हुआ कौन? सुनो सुनो सुनो, ये एक ऐसा ये वर्शिप सॉन्ग है जिसे हर एक इंसान इतना प्रभावित हो जाता है, उसका मन इसको इस वर्शिप सॉन्ग को सुनने के बाद इतना खुल जाएगा, इतना खुल जाएगा, अगर वो आत्मा में होकर, शरीर में नहीं आत्मा में होकर इस वर्शिप सॉन्ग को अपने जीवन में लेगा। बोलो क्या लेगा? ये ऐसा वर्शिप सॉन्ग है, अगर आप पूरी रीति से इस वर्शिप सॉन्ग को अपने अंदर लोगे तो समझो आपके अंदर आज प्रभु आएगा। आज आपके अंदर कौन आएगा? प्रभु यीशु आएगा। इसलिए अपनी जगह पर सब तैयार हो जाओ, अपनी अपनी जगह पर, और दिल से और रूह से, दिल और रूह से इस वर्शिप सॉन्ग के शब्दों को अपने जीवन में लेना। मैं जानता हूं इस वर्शिप सॉन्ग को से आप जो आराधना करोगे आप प्रभु की दिल से, आप ब्लेस हो जाओगे, आशीष हो जाओगे, आपके रोग, आपकी परेशानी, आपकी दर्द आपको छोड़कर चले जाएगी। अभी अभी इस वर्शिप सॉन्ग में आपकी जो भी दर्द है, दर्द है, मैं देख रहा हूं कि कई लोग परेशान है, परेशान मतलब मुश्किलों में। बोलो क्या है? मुश्किलों में, मुश्किलों में दर्द से पीड़ित है, मगर ये वर्शिप सॉन्ग आप करोगे दिल और रूह से, आप गवाही के साथ खड़े रहना। अब हम इस दिल से करें वर्शिप इसके। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से हरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से हरा हुआ, गुनाहों से दबा
दबा हुआ खौफ से हरा हुआ राम से दबा हुआ खौफ से भरा हुआ निगाहें तेरी ओ लगी हुई निगाहें तेरी ओ
सब सब अपने हाथों को फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई में बातें करते हैं वो गैर भाषा में बोले, जो जो अभी तक गैर भाषा जो पवित्र आत्मा अभी तक नहीं पाए हुए वो मांगे परमेश्वर से, आज मांगे वो पवित्रता ही मांगे, उसकी आराधना वाला जीवन मांगे, परमेश्वर की प्रेजेंस मांगे, उसकी हजूरी को मांगे कि हे खुदा बाप सच्चे परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मुझे एक सच्चा आराधिक बना, मेरे हर गुनाह से मेरे हर पाप से मुझे आज दो मेरे खुदा, अपने लहू से मुझे साफ कर शुद्ध कर पवित्र कर मेरे खुदा, मेरे जीवन के हर गुनाह को तूने माफ किया मेरे खुदा, मेरे अपराधों का लेखा तूने मेरे ऊपर नहीं लगाया, मांगो मांगो रिसो लाख बुरिया साखा पापा धीरे सो लाबेनिया साखा राका बाबा रे बेबे साखा रिया ली बेबे ली शाला ला बाबा रे बेबे शाखा ला बेबे ली शक्रो रे हो सारा खंदी यारिया सा बाबा ने दोलिया लाखे रि शिलको रा बाबा बाबा रे बेबे साखा बाबा रिया ली रि शंद्रा रे बेबे सखरो दिया राका ओली साबा ओली सारी अंदरा रि सखरो ओली साबा बाबा थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद कर दी मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर एक एक जीवन में आ मेरे खुदा एक एक छू मेरे खुदा इनकी मन की आंखें खोल मेरे खुदा आज इनकी मन की आंखें खोल मेरे खुदा ताकि तेरी बोलाहट तेरे उस प्रेम को जो तूने इस संसार से किया मेरे खुदा आज वो प्रेम इनके जीवन में अंदर आए मेरे खुदा अच्छू मेरे खुदा इनकी मन की आंखें खोल खुदा इनकी मन की आंखें खोल खुदा
आज इनकी मन की आंखें खुले, मेरे खुदा आज ये ब्लेस हो जाए, ये सेम ना जाए मेरे खुदा बाप, ये सेम ना जाए तेरी जीवत हजूरी में मेरे खुदा। जो लोग जितने आए हैं मेरे खुदा, ये सेम ना जाए, आज अपनी रूह और आत्मा से इनको बार मेरे खुदा, अछू आज इनको छू और आजाद कर, चंगा कर इनके मन को खोल, इनको आराधिक बना मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर इनको सच्चा आराधिक बने, परमेश्वर जी आपकी आराधना करने वाले बने मेरे खुदा, ये सब लोग आपकी महिमा करने वाले, आपके आगे प्रार्थना वाले बने मेरे खुदा, इनको प्रार्थना वाला जीवन दे, इनको वचन वाला जीवन दे खुदा बाप, जे हमेशा आपके मन आपके आगे अपने मन को खोले खोले मेरे खुदा। मैं मांगता हूं प्रभु इनके लिए, इनका मन खुले आज, इनका दिल खुले, जितने सुस्त लोग हैं मेरे खुदा आज से ब्लेस हो जाए, सुस्ती और आलस का आत्मा इनको छोड़कर जाए, अबुद्धि का आत्मा इनको छोड़कर जाए, आज सबके सब आशीष हो जाए प्रभु तेरे जिंदा नाम से, जिंदा नाम से आमेन। बस ऐसे ही अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में बनाकर रखो, परमेश्वर आपके जीवन को छूता रहेगा और आपको ब्लेस आपको बढ़ाता रहेगा। और भी जाएंगे वर्षित में, जलाल हो जलाल जलाल हो जलाल जलाल हो जलाल, आज की वर्षित आपके जीवन को बढ़ा रहे हैं। Yeah.
जीवन की हर इच्छा को अपने आपके सोचने और मांगने से बढ़कर करें, पर उनके लिए करेगा जो मांगते हैं। बोलो किनके लिए करेगा? जो मांगते हैं। जो मांगते नहीं उनको मिलता भी नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो तो जो मांगेगा नहीं उसे मिलेगा नहीं। मांगने वाले को मिलता है और ढूंढने वाला पाता है और खटखटाने वाला
बोलो क्या होगा उसका? खोला जाएगा। अब रोज क्यों? प्रभु ने एक विधवा का दृष्टांत दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो रोज अपने हाकम के पास जाती थी। ऐसे नहीं, आए संडे कितने दिन बाद याद आया प्रभु है गए? बोलो कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। कईयों को तब याद आता है कि परमेश्वर है गए। बोलो उतार समझ आंदी उन्होंने, आज ते आते संडे है, आज ते सत्संग है। परमेश्वर दास दाऊद के ना धन्य है वो लोग जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था दे विच कीने मगन ने, मगन ने किने कि तो 6 दिन बाद पता नहीं 7वां दिन प्रभु दा आया और तद याद आया उन्होंने कैसे किया 6 दिन पता नहीं संसार दे। तद परमेश्वर दास पत्रस ने कहा संसार दी सड़ाहट तो छुटके कि दे स्वभाव दे सहभागी हो जाओ। उच किया सब कुछ है बोलो दे विच किया दुनिया दी हर आशीष या हर चंगियाई या हर बरकत या हर सुख ते चैन किदे विच है? अगर तुसी उदे विच रहोगे नहीं ता प्रभु ने क्या मेरियां गल्लां तोड़े विच दे तुसी की रहो मेरे विच बने ते जो चाहोगे फिर प्रभु ने क्या मंगोगे की क्या प्रभु ने इदा नहीं क्या प्रभु ने क्या मेरियां गल्लां तोड़े विच ते तुसी मेरे विच बने रहोगे ते फिर पॉइंट किया मंगोगे ते दिता जाएगा। अगर मंगोगे नहीं अगर तुसी चुप खड़े हो असि मैं बोल रहा से आज दी वर्षिप पता नहीं कुछ लोग का नहीं अपना मैं देखिया चंद लोग का नहीं अपने मन नु दिता और परमेश्वर ने उन्हां दा बोझ भी ले लिया। कुछ लोग तुहाडे विच खड़े ने मौजूद ने जिन्हां दे बोझ नु परमेश्वर ने अपने उपर ले लिया क्योंकि की क्या प्रभु ने आके हे पार हेठां दबियो की करो मेरे पास तो किवें आना पेगा उसके पास समझ नहीं अपने मन को है ना पार हेठां दबियो मेरे पास आओ अपना सारा भारी बोझ की करो मैनू दे दो हल्का। कई लोग देंदे नहीं बोलते नहीं है कि प्रभु मेरा मैं अपना बोझ अपनी मुश्किल तेनू देनी है। ता उन्हें क्या जो चाहोगे मंगोगे अगर तुसी रहोगे मेरे विच बने रहोगे कि रहोगे बने रहने वाले की गल है जो घबरा जाते ने डर जाते ने कई लोग किदां दे ने बोलो कि ने इसलिए ऐसी वर्शिप सॉन्ग गाया ना कैसे गाया याद है सबको ये अल्फाज याद है किसी को ये जो हमने 3rd नंबर पर जो आज भजन गाया याद है किसी को? भूल गए हाँ थोड़ा सा हम फिर से वो गाएंगे कैसे है गाएंगे वो 3rd नंबर वाला हाँ ये शुद्ध मुझे छू ले गुनाहों से दबा हुआ क्योंकि हम पाप से पैदा हुए हैं खौफ उस बोझ तले हरा हुआ गुनाह पर लगा कर बैठे बोलता
जो लोग परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना ही करते हैं। क्या आ जाऊं? आजाद और बेखौफ। आपका अंदर का जो डर है अंदर का बैठा, लोग कई लोग सोचते पता नहीं प्रभु मेनू शायद मेरा काम होएगा या नहीं होएगा, पता नहीं मैं मेनू आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा पति नशा छड़ेगा कि नहीं छड़ेगा, मेनू बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे घर में जो क्लेश खत्म होएगा कि नहीं होएगा, कई लोग सोचते नहीं होएगा, क्योंकि परमेश्वर दिया जिन्निया भी प्रतिज्ञावां ने वादे कादे विच हैं, और जिसकी आंखें किसकी ओर लगी हुई निगाहें जो लगाकर बैठे अपनी आस को, परमेश्वर के दास पौलुस जी रोम के लोगों को ऐसे कहा कि आस जो आस है वो कभी भी क्या नहीं करती, क्या नहीं करती, लज्जावान नहीं करती, शर्मिंदा नहीं करती। अगर आप आस लगाकर बैठे हो, क्या आस से दृढ़ता और दृढ़ता से धीरज और धीरज से आस, और आस अनुकी नहीं करती, शर्मिंदा नहीं करती। और जो लगाकर बैठे हैं और रोज रोज किदे अगे किदे कोलो मांग रहे नहीं, किदे अगे प्रार्थना कर रहे नहीं, जो कर रहे हैं मैं उन्हें दी गल कर, जो कर नहीं रहे कुछ भी मैं उन्हें दी नहीं गल कर, यीशु मसीह कहे जिदे कानों नो सुने, मैं बोल रहा हूं कि जो जिनकी निगाहें किसकी ओर लगी और जो किसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, उसके जीवन में कौन आएगा। ये वर्शिप सॉन्ग ऐसे ही है, आज ये ऐसे बना है, ये बना ही ऐसे है हमारी ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए। बोलो क्या है, जिसके इसके शब्द ही ऐसे हैं, समझ रहे हो, और जो आस लगाकर बैठे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं, परमेश्वर का राज किनके लोग के लिए है। इसलिए यीशु ने बोला जिसके कानों वो सुने, बोलो क्या है, वो सुने। हमने थर्सडे वीरवार की मीटिंग में भी परमेश्वर के राज्य के बारे यीशु मसीह ने ऐसे बोला कि परमेश्वर का राज्य एक छिपे हुए धन्य के समान, किसके समान है, छिपे हुए धन के समान है। किसी ने छुपा दिया उस खेत में और दूसरे को पता लगा, उसने मारे खुशी के लिखा सब कुछ बेच के उस खेत को ले लिया, मारे खुशी के सब कुछ बेच के अपना उस खेत को ले लिया। ये इस जीवन की बात हो रही है, बोलो इस जीवन की, अगर हम समझेंगे नहीं इस जीवन को, कई लोग समझेंगे नहीं कि हमारी निगाहें किसकी ओर लगी है, बोलो किसकी ओर लगी है ना। एक बंदा मैं ये आपके साथ ये वचन शेयर करूंगा कि कैसे ये लोग दिल से प्रभु को चाहते हैं, उसके आगे प्रार्थना ही करते हैं, अपने उदार के कार्यों को कैसे वो पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं ये एक वचन आपको, खड़े रहना कोई बात नहीं है, अपना वचन ले लो। ये एक ऐसा बंदा है जो यीशु मसीह के आने की बात जो रहा है, किसकी जो रहा है बात, यीशु मसीह के आने की बात जो रहा है। ये लुका में हम जाएंगे, लुका का सब समाचार
तब तक एक मैं जब तक प्रभु देंगे ऐसे मैंने प्रभु ने ये वचन मुझे दिया मैं जरूर शेयर करूंगा। तब तक हम सब इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु की आराधना करते रहेंगे। इन्हीं इन्हीं शब्दों से जो हम बोल रहे थे हम आराधना करते रहेंगे धीरे से ताकि यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो का सुसमाचार उसका दो अध्याय उसकी 25 आयत। क्योंकि भक्ति में हमें कैसे होना चाहिए बोलो बोलो भक्ति में, क्योंकि जो लोग किसकी आराधना करते हैं किसकी उपासना करते हैं बोलो उनके जीवन में क्या नहीं होता बोलो, जो किसकी आराधना करते हैं किसकी भक्ति करते हैं उनको, क्योंकि भक्ति में सब कुछ है। बोलो भक्ति में क्या है? सब कुछ मिलता है। पर जो करते हैं बोलो, जो करते हैं ये देखेंगे 25 यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। हाँ। और इसराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। इसराइल की शांति की क्या क्या कर रहा था? वो बाट जो रहा था। बाट मतलब समझ वे उड़ी कर रहा था। जिमी आइए वर्षिप समझ ना, मेरी निगाहें किसकी ओर लगी किसकी ओर लगी समझ हो? तो ये शमौन नाम का एक मनुष्य जो धर्मी और भक्त था और इसराइल की शांति की क्या कर रहा था? ये बात चल रहा था। क्योंकि इसराइल में कौन आने वाला था बोलो, कौन आने वाला था? क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है बोलो, क्या है? इसलिए प्रभु ने कहा जो शांति मैं इस संसार में दे जाता हूं और आपको कहीं से भी मिलेगी इस, क्योंकि वो रास्ता है बोलो, क्या है वो? रास्ता है, रास्ता एक ही रास्ता है। लोग बोलते हैं बहुत है पर रास्ता क्या है? यीशु ने कैसे लोगों को आकर बताया? जीवन राह सच्चाई मैं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी किन्नू नहीं मिल सकता,
तो ये बंदा इजराइल दे की कर रहा सी शांति दी बात जो रहा सी किदे बारे अगर तुसी भी अपने जीवन च किदी बात नहीं जोगे क्योंकि बात चुनी पेगी अपनी आस अपनी उम्मीद किदे उत्ते रखनी पेगी अगर तुहाडे जीवन च ये बात नहीं जो रहे अपने जीवन च तुसी तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे जिवें और पढ़ांगे की और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देखना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ये देखो जब तक यीशु मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को हम कैसे देखते हैं? वो तो उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे इस पृथ्वी के ऊपर क्या करने आए, किसका संदेश? तो वो बंदा देखने, आज अगर हमने प्रभु को देखना है तो कैसे देख सकते हैं? अगर आप प्रभु को देखना चाहते हो आज सब लोग आप, क्योंकि आप किसके पास आए हो? सब किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो। अगर आप आज आपने प्रभु यीशु को देखना है तो कैसे देख सकते हो? बोलो कैसे देख सकते हो? कामों से। कैसे देख सकते हो? कामों के द्वारा। अपने आपका स्वभाव, आपका जो चाल चलने, आपका बोल कैसे हो जाएगा? अपने आप पता चल जाएगा। कामों से, कामों से कैसे पता चल जाएंगे? कामों से कि हम किससे किसके ऊपर विश्वास करते हैं, कौन से प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं? बोलो कौन से प्रभु के? तो कामों के द्वारा पता लग जाएगा। बोलो कि लग जाएगा, पता लग जाएगा। तोड़े बोल चाल, तोड़ा उठना बैठना सब कुछ किदे अनुसार हो जाएगा, है ना? वो तो बाहर जो रहा सी देखने दे ली, पर आज की अगर तुसी आज प्रभु यीशु मसीह नु देखना चाहते हो, बोलो लिखिया लोग तुहाडे जीवन नू देख के जो स्वर्ग च परमेश्वर उहदी बड़ाई करन, उहदी वड्याई करन। लोग की करन? तुहाडे जीवन नू वेख के की करन? स्वर्ग दे परमेश्वर दी की करन? वड्याई करन। बड़ाई मतलब वड्याई, समझ लो। अगर तुसी आ रहे हो तुसी बात नहीं है, जिवें बात च हो रहा सी शांति, समझ लो। जिवें मेरे जीवन च बहुत सारियां तकलीफ आए, दुख आए, बोलो कि आए प्रॉब्लम्स आईया। कई 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 बारी मैं थोड़े दिन शेयर कर रहा सी मैं कि मैं एक दिन किसी दे साडे एरिया च उन्हां दे बच्चे दा बर्थडे पार्टी सी, उन्होंने काफ़ी खर्च करके सत्संग रखिया बर्थडे पार्टी दा। सब ये वर्शिप टीम, ये जिन्हें इंस्ट्रूमेंट वाले ने सब भाई जी साडे मतलब सब गए उत्थे अच्छे तरीके नाल। और उस तो दो दिन पहले मेरा गला इन्ना ज्यादा खराब हो गया मैं बोल नहीं सकता। मेरे को एक पानी दा एक घुट भी नहीं मैं पी सकता, इदां दी हालत सी। बोलना ते दूर दी गल, मैं पानी दा घुट भी पी पर मैं किदी बात चुनना है? बोलो मैं किदी बात चुनना है? परमेश्वर दी चुनना है। और मैं जानदा है, बोलो की करदा मैं जानदा है कि कौन मेरे साथ खड़ा है। बोलो कौन मेरे साथ खड़ा है? कितने लोग विश्वास कर दे मेरे साथ कौन खड़ा है? बोलो आप साथ कर दे हो? आज बहुत सारे लोग बारिश दे करके की हो गए नहीं, बोलो आज बारिश ने उन्होंने रोक लिया। खाली बारिश ने खाली अगर शरीर विच तकलीफ या, बोलो शरीर विच हालात या, तो की करेंगे? बोलो उन्होंने सिर्फ बारिश ने रोक लिया, बारिश ने। और मैं इसे हालत विच उठे गया जबकि मैं पानी दा कुट मेरे लिए पीना औखा सी, मैं फिर भी उठे गया और किदी महिमा लिए अपने गले नु खोलिया। बहुत औखा सी पर मैं जानदा सी कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैनु कोई कटी नहीं, मैनु कोई गम। जिवें असी तकलीफ च हां ते इंसान की करदा, हाय पता नहीं प्रभु किथे है। बोलो किया मैं अपनी बहुत सारिया प्रॉब्लम्स, क्योंकि जिवें
ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਉਪਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਪਵਾਸ ਸਭ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਵਾਸ ਸਮਝਦੇ? ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਤੋ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਬਾਟ ਜੋ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਬਿਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖ ਲੇ? ਕੈਸਾ ਮਨ ਥਾ ਉਸਕਾ, ਕਿਤਨੀ ਚਾਹਤ ਥੀ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਆ ਗਏ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਬੋਲੋ, ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਫ ਡੇ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਪਈ ਆਪਣੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ? ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਉਪਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਤ ਚੋਣਾ, ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਕੀ ਔਰ ਨਗਾਹੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਬੋਲੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਸਾਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ? ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁਸ਼ਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਆਤਮਾ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਤਾ, ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਖਾਲੀ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਹੋ ਆਪ? ਖਾਲੀ ਹੋ, ਖਾਲੀ। ਆਪਕੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਨਨ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਸੇ ਕਿਆ ਬਰ ਮੁਝੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਸੇ ਬਰ ਮੁਝੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਫਲ ਸੇ ਹਮ ਉਸਕੇ ਕਾਮੋ ਸੇ ਜਾਣੇ ਜਾਏਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੋਲੋ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਬੋਲੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੰਗਤੀ 2-2:30 ਵਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੰਗਤ 3 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਘਟੀ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ
मोटर गड्डिया ते लिखिया होंदा ना जिन्हां नूं जादी जल्दी है की लिखिया होंदा पढ़िया कदी कि नहीं जिन्हें जादी जल्दी वाले कई मोटर गड्डिया के पिछे लिख के लाया होंदा ने बहुत सारिया ने जिन्हां नूं जादी जल्दी समझदे अपने जीवन की दौड़ ली परमेश्वर दी नहीं समझदे इस करके अगर नहीं असी समझे बोलो की करें समझे तो इन्हें क्या बंदे ने कि जब तक मैं प्रभु को देखूंगा ना मृत्यु को नहीं देखांगा और आगे पढ़ना वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें क्योंकि वो बार चोर रहा था यीशु अभी पैदा भी नहीं हुए हमारे जीवन में यीशु ये बंदा शमौन अभी यीशु पैदा भी नहीं हुआ इस दुनिया में आया नहीं क्योंकि उसके बारे बहुत पहले समय क्या हुआ भिक्षुवाणिया पहले से पर ये बात चोरा तब तक मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा जब तक किसको नहीं देखूंगा क्योंकि यीशु ने अभी जन्म भी नहीं लिया समझने पर यदि चाहत सी इदा मन सी किन्नू वेखन दे यीशु नु देखन दे तोड़े मन है तोड़ा किन्नू वेखन दे सब दा मन है किन मैं हुने ने दस्या सी किद्दां वेख सकदे बोलो किद्दां वेख सकदे लिखिया तोड़े जीवन नु वेख के स्वर्ग ते परमेश्वर दियो की करन बड़ाई करन तोड़े जीवन दे स्वभाव नु तोड़ी हर चीज नु अगर तुसी इतों गए हो रस्ते विच लड़ पे हो जा और कुछ कर जांदे कुछ और ते लोग की आखणगे आंढी गुआंढी तुहाडे की आखणगे बोलो की आखणगे कि लोग आखणगे कोई आस रखेगा तुहाडे जीवन तो अगर तुहाडा जीवन इदां दा है मैनूं अज भी याद आ मैं कुछ साल पहला एक साडा फैसटिवल सी मतलब प्रोग्राम सी सर्दी दे दिन सी तद मेरे कोल गड्डी नहीं सी मैं बाइक के उपर बहुत दूर दूर जगह से मतलब संगति दे लई लोगों मिलने दे लई जांदा सी और लेट हो जाना और तेज बाइक ते जाना बहुत तेज जल्दी जल्दी दूर दूर कदी पिखीवन खेम करन बटाला इधर डेरा बाबा नानक साइड सारी है ना तो मेरी छाती नू ठंड लग गई और मैं बहुत बीमार हो गया बहुत ज्यादा मतलब मेरा साह भी निकल नहीं रहा बहुत ज्यादा मेरी तकलीफ मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया ऐसी सिचुएशन दे विच अगर मेरी जगह ते कोई व्यक्ति हुंदा तो कह लो कि वो दो रजाइयां नूं उपर पा के ते करता इन्नी ज्यादा मेरे अंदर वो सर्दी आ गई दो रजाइयां उपर पा के अपने इस तरह कर रहा हुंदा पर मैं फिर भी और सब लोग आए ने बोलो की हाँ सब लोग आए ने और मैं भी उस हालत दे विच दो दिन का प्रोग्राम सी मैं इन्नी हालत मेरी तप रहा सी मेरा शरीर अंदरों और मैं अपने जीवन तो किसी नु जजमेंट नहीं होने दिता कि मैं बीमार हाँ मैं की हाँ मैं अपने जीवन तो किसी ने भी जजमेंट नहीं होने दिता मैं की हाँ मैं बीमार हाँ किसी नु मतलब पता लगा जिवें तुहाडे जीवन नु वेख के सारे बोले पता लग जांदा ए की आ बहुत बीमार है बोलो की आ थोड़े दिन पहला मैं एक किसी नु हॉस्पिटल च मिलन दे लई गया जदकि परमेश्वर दा आत्मा मैनू कह रहा सी मतलब ना जा मैं कदी कदी कुछ हो सकदा परमेश्वर तुहाडे मन च पावे मत करो तुसीं फिर भी करोगे तो फसोगे की करोगे जिवें पाप दे बारे बुरे रस्ते च इंसान जानता है तो पता है एक गलत चीज है वो फिर भी करता है बोलो की करता वो फिर भी करता कि नहीं पता है गलत चीज है पर वो जानता है अभी की करता कर रहे तो मैं गया मैं हॉस्पिटल दिया सीढ़ियां पौड़ियां उतर रहा से अचानक मैं उतर दे उतरिया मेरा पैर में रख लगा घूम गया और पूरी पूरी इस तरह हो गया पूरा इस तरह और मैनू जो तो मैं उठ्या
और मेरी कोई वाह नहीं सुनी, कोई वाह नहीं, मतलब इतनी ज्यादा पूरा मरोड़िया गया मेरा पैर। पहले तो मैं डर गया कि हड्डी उड्डी का ना कुछ इस तरह हो गया, क्योंकि बहुत तेजी नाल है पूरा घूम गया। मैं फिर सोचा जो दर्द बड़ी है, मैं क्या अंदरों कोई कुछ मास फट गया, कुछ हो गया, बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा दर्द, और मेरा पार अपनी पैर के उपर नहीं पै रहा, और मेरे चलना भी क्यों हो गया। उस समय मैं जिन्हों के कोल जिन्हों की बच्ची दे करके गया सी, वो मेरा फर के पैर कुटन लगे। मैं क्या नहीं कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं हैगा। तो मैं उस समय तो उन्होंने सामने पौड़ियां उतर के थले आ गया, पर थले आया तो मेरे कोई भी तुरंत ही मेरे वाह नहीं हैगी कोई भी। पर मैं पहले मैं सोचा कि मैं किसी को बुला लेना, शायद मेरे को गड्डी चले कि ना चले, क्योंकि बहुत ज्यादा पैर च दर्द आ। तो मैं ये सोच ही रहा सी, और अचानक मैं याद आया कि परमेश्वर का आत्मा मैं रोक रहा कि नहीं जाना, कि नहीं करना, मैनू नहीं जाना। तो मैं तुरंत ही उस आत्मा च उस परमेश्वर को याद किया कि अगर मेरी किसी कमी कारण हालात आ, तो प्रभु सब तो पहले की कर मैनू माफ कर, मेरी कमी के कारण की आ हालात आ, तो की कर मैनू माफ कर, माफ कर, माफ कर। अगर तेरी महिमा दे लिए तो अपनी महिमा नु प्रकट कर। मैं तुरंत इना बोलिया और मेरी दर्द कट गई। प्रभु कितनी जल्दी काम करता है, की गल खुश नहीं हो? मेरी दर्द तुरंत कट गई और मैं गड्डी चला के अपने घर आया, और दर्द हैगी सी पर बहुत थोड़ी रह गई। और मैं इस सैचरडे शनिवार की गल है, और संडे जो मैं इतने आया सी प्रभु के भवन के, तो मैं उतो तद मेरा इन्ना क हैगा सी हल्का जा, पर मैं जिमें एंट्री की और मैं पता भी नहीं है कि मेरी दर्द कितने है, क्योंकि बाट जोना इनू की बोलते हैं बाट जोना, हर एक चीज की अपने जीवन की जोना बाट जोना वेट। जिमें इस बंदे ने यीशु मसीह पैदा भी नहीं होया, बोलो की आ पैदा भी अजे पैदा भी नहीं होया, और वेट कर रहा उदी की कर रहा है, तद तक एक आस लगा के बैठा, तद तक मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा। किसको नहीं देखूंगा? मृत्यु को, मौत को, तद तक मैं मरांगा नहीं। तुसी की आस लगा के बैठे हो? बोलो की आस लगा के बैठे हो? कहना जब तक यीशु मसीह नु देख ना लवांगा मैं मरांगा, तुसी की आस लगा के बैठे हो? की आस लगा के बैठे हो? प्रभु इसलिए ये वर्शिप सॉन्ग ऐसे ऐसे बना है, ऐसे बना है। मेरी निगाहें किसकी ओर लगी? किसकी ओर लगी? बोलो किसकी ओर लगी है? ये शब्द गाएंगे ताकि आप अच्छी से ये वर्शिप सॉन्ग को, ये निगाहें मेरी निगाहें तेरी ओ लगी हुई, निगाहें तेरी ओ लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई, यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझ छू ले
जीवन में नहीं आएगा, ये प्रभु को अपने जीवन में देखने के लिए ये इंसान कैसे बात चल रहा, तब तक मैं मौत को नहीं देखूंगा। क्या नहीं देखूंगा? कई लोग आंदे नहीं प्रभु को, बहुत सारे आंदे और की आंदे नहीं जे वो इस तरह का विश्वास लाया, चलो देखांगे जे साडा बन गया कम, बोलो जे साडा कम ज्यादा थक के बैठ जाओ कोई गल नहीं, मैं तो पूरा दिन खड़ा रह सकता, बोलो मैं तो पूरा दिन, क्योंकि मैं किदे फजल चे किदे अनुग्रह चे, बोलो जे ज्यादा थक के हो तो बैठ जाओ, अगर जो अपने आप नु कहंदे नहीं कि असि सचमुच प्रभु नु प्रेम करदे हैं, बोलो क्योंकि तनु बल कौन दे सकदा, कौन देवेगा बल, शेरां नालों वध के भी तेनु की देवेगा, शेर च किन्ना बल हुंदा है, दाऊद दे अंदर सी बल, बोलो किदे अंदर सी बल, दाऊद एक पेट बकरियां चारन वाला व्यक्ति सी, बच्चा सी, छोटा बच्चा सी, कौन छोटी उम्र दे विच दाऊद पेट ते बकरियां ते शेर कदी कदी उदी पेट दा बच्चा की लै जांदा सी, की लै जांदा सी, ओ चुरा के लै जांदा सी मूंह दे विच पा के खान दे लई, पर ओ पिछे दौड़दा सी, बोलो उहदे कन्न तो फड़ के उहदा मूंह खोल के ते उस बच्चे नूं बचा लिआउंदा सी। हुण आम व्यक्ति बोलो कि शेर नूं कन्नों फड़ के उहदा मूंह खोल के बच्चा कढ सकदा, क्योंकि शेरां नालों वध भी तुहानूं कौण देवेगा बल, ते आणा कित्थों बल, बोलो इस लई सुनिआ सी ना आपां डीले हाथों निर्बल घुटने को क्या करो, सीधे करो, डीले हाथों सुस्त समझने सीधे करो, और ये कैसे होंगे सीधे, किसके साथ समय बिताना है, समझने दुआएं तुझसे मांगी है, जो जिन्हें मंगे नहीं बल कितों आएगा, जिन्हें प्रार्थनावां दुआवां उहदे अगे कीतियां ही नहीं, कुछ कीता नहीं, आए गए आना जाना लगा रहेगा, एक दिन तुहाडा मन तुहाडी बीमारी तुहानूं दोष लाएगी, और जीवत परमेश्वर नूं और जीवत हजूरी च आके भी तुसीं फिर संसार दे उस पाप दे बुरियाई बुरे कम्मां च जा फसोगे, की करोगे फिर तो जा फसोगे, अगर तुसीं किहदी गल ना समझी, किहदे अगे अपने मन नूं ना खोलिया, दाऊद छोटा बच्चा क्योंकि उहदे अंदर किहदा बल सी, क्योंकि दाऊद छोटी उम्र दे विच ही किहदे नाल लिव लगा के बैठा, अपनी बात किहदे नाल जो आ रहा, छोटी उम्र दे विच, समझदे कई लोग संसार विच बोलदे ना जिवें बचपन विच, बचपन जिहड़े लड़के लड़कियां नौजवान ने, कई संसार विच लोग बोलदे अजे अजे उम्र नहीं है, बोलो की आ अजे उम्र नहीं, अजे समय नहीं, ओ बुढ़े बारे देखांगे, की देखांगे बुढ़े बारे देखांगे, किदी भक्ति करिए आराधना करिए बुढ़े बारे देखांगे, कई लोग जवान इस तरह सोचते ने, पर जो बुढ़े हो जाते ने फिर कन्ना दा सुनना की हो जाता, अखा का
धुंधला आ जाता। कन्ना का की हो जाता, सुनना घट जाता, सुनना घट ते वेखना। फिर बोलते जो उन्होंने फिर समझ आई, उन्हें जीवन च कोई दुख है तो फिर कहते सानू नहीं जी समझ आती, इन्हों बच्चों नू समझा दो अपे, सानू समझ नहीं आती, इन्हों समझा दो। ये किसी ने कोई इस तरह कोई फैमिली सी बजुर्ग माता सी और बहुत तकलीफ में सी, बहुत तकलीफ, उन्होंने जाके प्रभु का सच समझाया, दसिया कि तुसी सुनो प्रभु का सच ओदा वचन, तुसी की हो जाओगे अच्छे हो जाओगे। उन्हों पांच सत्त मिनट लगाए वो नाल, बोले मैनू नहीं आती होंगी की कहें, तुसी मैनू नहीं आती समझ, इन्हें बच्चों दस दो जो दसना। किसी की रोटी लैके है ना, किसी की रोटी लैके तुहाडी रोटी तुसी खांदे हो दूजे नू दवांगे तो बन जाएगी गल, बोलो तुहानू भुख लगी आ तुहाडे वंडे की रोटी दूसरा बंदा खाए हो जाएगा गुजारा, तो किदां काम हो जाए, समझ गए, सुनना तो पएगा जानना तो पएगा, समझ गए। इसलिए दाऊद किदी लिव विच लगा सी, इसलिए उहदे अंदर बल सी, बोलो की सी, इसलिए उन्हें 9 फुटे गोलियत नू एक छोटे जे पत्थर दे नाल पूरी इजराइल दी प्रजा सब डर रहे ने, सब की रहे ने, कई लोगों को पता नहीं है केड़ी इजराइल पर कौन गोलियत, क्योंकि मन नहीं लगाया, कि नहीं लगाया, पूछया ही नहीं। अगर और उथे बार मोड़ ते कोई मतलब कुछ हादसा कुछ भी आ जा पिंड दे विच कोई गल पई आ ते ओ दूर, मैं थोड़े दिन पहला भी थोड़े समय पहला मैं किसी जेडे लोग अनपढ़ ने जो नहीं पढ़े, अगर मान लो कोई अखबार विच कोई इदां दा कोई हादसा फोटो तस्वीर देख रहे ने पर वो बंदा पढ़िया नहीं, वो देख लिया उन्हें, उन्हें पूछे यार ये की होया, बड़ा बुरा हाल होया, गड्डिया किदां होया, सारा बंदे एक बाह उधर पई एक इतना पिया, बोले की है तो दसूगा सारा इदा इदा होया कि होया सारा कुछ। वो सारी स्टोरी जिनी उन्हें दसी उहदे मन दे अंदर आ जाणी, और उन्हें जाके अपनी फैमिली नू भी दसना और होरां नू भी दसना, उत्थे यार इदा होया मैं उत्थों आया अखबार दे विच आया बहुत बुरा हादसा होया, सारी फैमिली पूरी ऐ गड्डी थले आ गई, बहुत छोटा बच्चा बेचारा ऐ, पर प्रभु दीआं गल्लां साडे अंदर क्यों नहीं आंदी, क्योंकि बात नहीं चलती, कि नहीं करदे बात, तुसी अपने जीवन की बात नहीं जुड़दे, बोलो कि नहीं करदे जुड़दे नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि जो जोएगा अपने जीवन की बात, जिवें मैं बहुत लंबे अरसे तो अपने जीवन की बात जो रहा किदे लिया, किदे प्रेम दे लई, किदी महिमा दे लई, अपने जीवन मेरे जीवन बहुत कुछ आया उतरा चढ़ा, बहुत कुछ आया, बहुत चीजा आई, पर मैं एक भी चीज यहोजी मुश्किल, कई चीजा मेरी पत्नी नू नहीं पता, उन्होंने भी नहीं पता कि मेरे पति के जीवन इन्ना वड्डा हालात है, वो इन्ने बीमार है, क्योंकि उन्होंने मैं दसन का कोई फायदा नहीं, वो की कर रहा, पर मेरे लिए कौन करेगा, सच्ची गल, बोलो की है, कल इतने पता नहीं आज आए ने वो शीतला मंदिर वाले जड़े जिन्हों के जवाई आए ने, आज नहीं आए, कल आए से, बंदा सरीये का काम करता है, अपना काम करता और उन्होंने काम नहीं मिल रहा, तो मैं कहा तुसी और किसी ना कर लो, नहीं है तो अपना, तो बोले नहीं दूसरे नाल करा तो बड़ा औखा है, मैं क्यों औखा क्यों, अपनी जरूरत लिए तो करना पड़ेगा, बोले मैं बाबा सी रहा तो इस कारण मैं भरा काम नहीं कर सकता, मैं उन्हें दसिया अपने जीवन के मैं याद देख दें मैं प्रभु विच सी और मेरे जीवन ते एडा वड्डा हालात मेरे अद्धे सिर दे विच भयानक दर्द, अगर मेरी जगह ते कोई हुंदा उन्हें मंजे ते लेट के सिर बनना इतने ऐदा ऐदा करना इन्नी ज्यादा प्यार, और मैं फिर भी अपने अपने परिवार लिए अपनी फैमिली लिए इसे हालत च जा रहा, क्योंकि मैं कीती बात चुना तुहानू पता मेरे नाल कौन है, समझ हर हालात नू प्रभु दे विच होके मैं की कीता पार की।
समझे? अगर तुम अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, बोलो अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो की होएगा? होएगा कुछ इन बोलते बात चुनना अपने जीवन दी, क्योंकि थोड़े समय बाद जिम्मे गर्भवती औरत लिखिया बन बच्चा जन्म समय पीड़ा च, पर जो बच्चे ने पालेगी तो सारा दुख भुल जाएगी। साढ़े नाल भी इदा ही होएगा, पर तु बात चुनते नहीं, आस ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं। कैसा ये वर्शिप सॉन्ग, बहुत अच्छा, ये मन को छूने वाला, समझ? बात जो नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई अरादा नहीं, कुछ नहीं है, कोई दुआएं तुझसे की हैं, उम्मीद है मेरी, दुआएं तुझसे किया है, कितने कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं की, सुते पे उठे खाते चलो गए आगे चले, दुआएं तुझसे की हैं, उम्मीद जो कर दे नहीं, वो आस लगा के बैठे आज में शमौन मनुष्य धर्मी जो किसकी बात चो रहा है, किसकी आस? अभी यीशु पैदा भी नहीं हुआ इस दुनिया में, यीशु पैदा होकर दुनिया पूरी दुनिया के लिए, उनके जीवन के पाप के लिए, उनकी बीमारियों थोड़ी जिन्हिया भी प्रॉब्लम्स थोड़ी हर एक बीमारी, क्योंकि प्रॉब्लम्स अलग अलग है, सेम तो नहीं है, सब सारे नु सेम प्रॉब्लम नहीं, किसी ने कोई किसी ने कुछ, पिछले संडे भी असी सुने सब प्रॉब्लम नु यीशु मसीह आके इस दुनिया च अपने ऊपर लेके फिर इस धरती उपरों स्वर्ग चला गया, और कई लोग अजे भी इस गल नु समझ नहीं रहे, कोई बात नहीं जो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पता यीशु क्यों आया, कितने चला गया, क्यों क्रूस ते मरिया, उन्होंने कोई पता नहीं। और ये बंदा अजे यीशु मसीह पैदा भी नहीं होया और की कर रहा, मैं तद तक मौत नु वेखांगा, मैं मौत नु नहीं देखांगा, आस लगा के बैठा, किनू देखन दी? बोलो किनू देखन दी, किनू देखन दी? और पढ़ांगे अगे ताकि ये शब्द पूरा हो जाए। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। उस बच्चे को उस आदमी ने अपनी गोद में लिया, बोलिया क्योंकि समा पूरा रहा, पर समा पूरा हो गया फिर भी बार चोर रहा, हुन केंदा किया अपने दास नू की कर स्वामी, छोटा बच्चा उदी गोद च है, क्योंकि जानता है वो कौन है, छोटा बच्चा कौन है, तो गोद च लेके बोलिया हुन अपने दास नू स्वामी की कर विदा कर, क्योंकि जो मेरी चाहत सी की होगी है पूरी हो गई। थोड़े अंदर की चाहते हैं, तुसे की आस लगा के बैठे हो, तो किवें होएगी? दुआएं तुसे की है, उम्मीद है मेरी, बोलो क्या है? उम्मीद है मेरी, जिसने की है उसको उम्मीद है, जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए कुछ भी नहीं है, बोलो जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु ने बोला मेरी बातें अगर तुम में रहे और तुम मेरे में बने रहो तो जो चाहोगे मांगो, ये मांगने वाली ये बात है। शमौन तो किसको देखने की चाहत होएगा, और आगे पढ़ना थोड़ा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हाँ, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को, क्योंकि यीशु इस दुनिया में उद्धार करता पैदा है, उद्धार करता मतलब समझे, कई लोगों को पता नहीं ये उद्धार करता शब्द क्या है, बोलो, क्योंकि ये जो जो बातें फायदे की है, फायदे की है, उस पर आप ध्यान नहीं लगाते, जो फायदे की बातें, आलतू फालतू बातें उस पर बोल, ये क्यों है, ये क्यों है, आलतू फालतू गल्ला बहुत, और जो फायदे दियां गल्ला है उदार दे बारे जानते, उदार क्यों नहीं बोलते? बोलो, मेरी आंखें तेरी उदार को देख लिया, उदार मतलब मोक्ष, मुक्ति उस पाप तो जितो असी पैदा हुए, पर कि दे नाम दे विच है, छुटकारा कि दे नाम च है, क्योंकि यीशु दे नाम दा मतलब की है, यीशु दे नाम दा मतलब छुटकारा, जो कोई भी उदे नाम च आ जाएगा और कि दे नाल जुड़ जाएगा उन्हें छुटकारा मिलेगा उस पाप तो जितो पैदा आया। सुनो पाप की है, कई लोगों को यह नहीं पता, पाप
इस दुनिया का सच कि उस धरती के उपर जो पहला मनुष्य और पहली औरत सी वो इंसान तो पैदा नहीं हुए जिवें असीं माता पिता तो पैदा हैं उन्हां दी इच्छा तो, पर दुनिया का सच जो इस धरती के उपर पहला मनुष्य और पहली औरत तो किसी इंसान तो पैदा नहीं हुई, पर उन्हां तो भी परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। मैं थोड़ा सिर्फ इन्ना ही दसांगा नहीं तो और चले जाएगा, मतलब पाप तो पैदा हुए और उन्होंने भी परमेश्वर की गल नहीं मनिया, बोलो नहीं मनिया, तो उन्होंने जीवन च पाया और पाप की संतान असी है। और ये भी व्यक्ति ये शमौन धर्मी मनुष्यता भक्तता पर किसकी बात चोरता उदार, क्योंकि किसके नाम में उदार है, मोक्ष किसके नाम है, मुक्ति जिसको बोलते हैं किसके नाम में है, ये जो आपके दुख है ना, दुख आपके ये बीमारी ये कुछ भी ये यीशु के नाम से बहुत छोटे पड़ते, बहुत छोटे हैं आपके दुख यीशु के नाम नाम के आगे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, पर तुम पता नहीं थोड़े दुख की है प्रभु दे नाम दे अगे बहुत छोटे, बहुत छोटे, क्योंकि तुम पता नहीं उदार कि नाम च मोक्ष मुक्ति कि नाम च। और ये बंदा जो रहा सीधा और बोलिया मेरी आंखों ने तेरे उदार को देख लिया जिससे तूने सब देश के लोगों के सामने तैयार किया, क्या किया, जिसे तूने सब देश के लोगों के सामने कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो, क्यों, और आगे पढ़ना, उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे, क्योंकि वो ज्यादा नहीं सी जानते, जिवें आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह बारे ज्यादा नहीं जानते, आश्चर्य कर लाते जो दे विषय वो गल्ला, क्योंकि जे तू गोद विच है छोटा बच्चा है तू हैरान होंदी सी है, समझ, क्योंकि उदार करता जन्मा इस दुनिया च, समझ। और तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। हाँ, क्या करने के लिए, इसराइल में बहुतों को गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह, चिन्ह गिरने और जो बहुत सारे लोग उदे नाम दे विच क्यों होंगे, बोलो क्यों होंगे, कई लोग बहुत सारे अगर नहीं जानिया तो गिरनगे डिगणगे भी और बहुत सारे लोग उन्हें जान के विश्वास करके अपने उस नाम च उदे नाम च उठ जाएंगे। एक एक भजन है ना, एक एक वर्शिप सॉन्ग है ऐसे उठ जा है ना, कैसे ये ये जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना विच उठ जा हालेलुया।
पता चल गया तुसी इत्थे हो कि किसे और पहुंचे हो। इत्थे ही हो सब, हाथ हिलाओ जो सब इत्थे ने। कई लोग अपने काम कार अपनियां फिकरां कई चीजां च जो पीछे पिछला साइड देख रहे हैं। सुनो, शर्माना नहीं किसी गल तो। बोलो, अगर तुम सच्चे दिल तो प्रभु दे लई प्रेम करते हो कि उन्हें मेरे लिए जीवन का बलिदान दिता है तो मैं जो बोलांगा तुसी वो करोगे। अगर तुसी सचमुच उस परमेश्वर दी और दे ठहराए हुए दास दी आदर करते की करते हो, अगर करते हो मैं प्रोफेसी करदा अज तो परमेश्वर जिस नाम विच तुसी उठना ताड़े जीवन च अज तो कार्य करेगा। मैं सच्ची बोल रहा, मैं प्रोफेसी करदा हां, अगर सचमुच तुसी परमेश्वर नू प्रेम करते हो और दे ठहराए हुए दास दा आदर करते हो, मैं अपने नहीं मैं परमेश्वर दा कह रहा हूं, मेरे तो परमेश्वर दा। बोलो की है, अगर तुसी मतलब मैनू इस तरह लै रहे हो जो यीशु मसीह नू भी जिस घर विच यीशु मसीह पैदा होया, बोलो की है, जिस घर विच यीशु मसीह पैदा होया तो लोग कई कहन लगे बड़ाई का ये तरखान का बेटा है, इसके भाई बहन ऐसे बस कुछ भी नहीं। पर जिन्हें लोगों ने विश्वास किया है ना, कई लोग बोल देने, मैं कहना तुम्हारा मन अच्छा होना चाहिए। कईयों का मन मेरे प्रति अच्छा नहीं है, मैं सच्ची कहना है, अपना मन अच्छा करके देखो। जो मैं बोल रहा सब हाथ लाओ, मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा, क्यों शर्मांदे हो परमेश्वर की गल तो, क्यों ले जाते हो? अगर प्रेम कर दे हो, मैं नहीं कर, तु परमेश्वर नहीं करना, मेरे लिए नहीं करना। बोलो किदे लिए करना है? अगर तुम सचमुच परमेश्वर नू प्रेम हो दे ठहराए हो दास का आदर कर दे हो, की कर दे हो? बोलो की कर दे हो? आदर कर दे हो। अगर तुम इदा ही हो ही ठीक है, प्रभु तुम बरकत दे। अगर तुम ऐसा ही मानिया कोई गल नहीं, इन्हों का तो कम है दिल तो, दिल तो। बोलो की हो? दिल तो अगर कर दे, दिल तो, दिल तो, मन तो, मैं सच्ची कह रहा। बोलो की है? मैं कल की नाम है वो आए नहीं, दुरबुर्जी तो एक फैमिली आए नहीं है, हैं कितने बैठे ने? नहीं उन्होंने पत्नी, पत्नी उन्होंने, हाँ दोनों आए ने। अच्छा हाँ, ये इन्हों प्रभु दे सच विच आया, प्रभु दे कोल उदे नाम दे विच, क्यों कहा उदे नाम विच उठ जा, कि उठ जा नाम विच उठ जा, तुहाडियां शर्मिंदगियां तो तुसी अपनियां तो उठोगे। कदों उठोगे? जो तुसी अपनी बात चोगे उदे नाम दा। बोलो तो बात चो, ये दो साल हो गए ने इन्हों प्रभु दे विच आया, पर इन्हों चाहता कुछ समझ नहीं आया कि है सच की है, माजरा की है, नहीं समझ आया। जिवें अज भी कई लोगों समझ नहीं आ रहा, माजरा नहीं समझ आ रहा यीशु मसीह दे जीवन दे बारे। जिवें शमौन, शमौन अज असी उहदे जीवन तो देख रहे हैं कि उन्हों की आ गया, समझ आ गया। दो साल तो नहीं, पर इन्हों की बीमारी, इन्हों का पाप अजे भी इन्हों के साथ बनया है। बोलो की है? दो साल हो गए ने प्रभु दे विच, पर जिस प्रॉब्लम के कारण आए वो अजे भी की है। और राती इन्हों की हालत इन्नी ज्यादा खराब हो गई, मैं तुम्हें सच्ची दस नहीं सकता, बहुत ज्यादा इन्हों की हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा। थोड़ा जा तुसी दसोगे किवें हो गया सी राती? आ जाओ माइक ना जाने दे कोल, माइक लेके जाओ। की हो गया सी तुहानू, की प्रॉब्लम की है, थोड़ा दसो तुहानू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की? ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬੜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਸੀ ਘੱਟ ਆਉਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? क्योंकि असी पैदा ही कितों आए हैं,
बोलो पैदा कितों हो? पाप तो, और पाप तो पैदा होने के कारण ये सब बीमारियां साढ़े जीवन च की होंदिया ने। बच्चे पैदा होंगे ने तो डॉक्टर की कर देंगे उन्होंने सुइया तुरंत लग जा क्यों इतों पता लगता कितों है पाप। पुराने समय के अज अनुग्रह बढ़ रहा परमेश्वर का बोलो की है पुराने समय के बच्चे और अज क्योंकि पाप अनुग्रह के नाल नाल पाप भी अपना की कर रहा काम जिमें मोबाइल के बारे दस दाना कि मोबाइल परमेश्वर ने अपने लोगों लिए बहुत फायदे की चीज़ है बोलो की है पर नुकसान भी है क्योंकि बहुत कुछ सीखने भी वो और बहुत सारा गलत चीज़ा भी है पर तुसी अगर नहीं ध्यान दिता तो नुकसान भी है फायदा भी है तो नुकसान भी है। पर बचपन तो अपनी प्रॉब्लम चाह दो साल हो गए इन्हों प्रभु च पर अज तक ये आजाद मतलब इन्हों पता नहीं है कि वो नाम च की है छुटकारा इन्हों समझ नहीं आई ज पता नहीं ज खुद समझ नहीं आई ज किसी ने इन्हों समझा नहीं पाई ज खुद समझ नहीं पाए ज इन्हों कोई समझा नहीं पाए क्योंकि प्रभु सब कुछ कर सकता रात बहुत तकलीफ विच सी है बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं पर सच्चा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर जो मेडिसन नालों भी मेडिसन लेनी है ना मेडिसन तो ली पर उन्हें भी कम नहीं किया मेडिसन ने भी कम मेडिसन ने कम नहीं किया किन्ने कम किया परमेश्वर कौन कम करता परमेश्वर। राती बहुत तकलीफ सी मेरे नाल इन्हां दी गल हुई और परमेश्वर की आत्मा ने इन्हां नूं छूया और की करता जिस तकलीफ तो कैंटो कैंटी च फसे पे से प्रभु ने दो मिनट च आजाद करता क्योंकि समझण वाली चीज है समझण वाली सच की है समझण वाली चीज। अज तो बाद तुम पूरी रीति नाल फ्री हो बोलो की हो कर दे विश्वास क्योंकि ताड़े जीवन च उदार करता जन्मिया सब बोलो कौन जन्मिया अगर तुहाडे जीवन च उदार करता नहीं जन्मिया तो तुसी अजे भी अपने पाप ते दुखां विच की जाए फसे होए की बोलो अगर तुहाडे जीवन च उदार करता जन्मिया जन्मिया नहीं तो तुसी अजे भी अपने पाप ते दुखां विच की जाए फसे होए समझ रहे हो तो जिहदे जीवन च वो जन्म इसलिए एक पाप का जन्म है एक और दूसरा जन्म केड़ा है बोलो केड़ा है एक पाप तो असी पैदा हुई और दूसरा जन्म प्रभु यीशु तो आत्मा का जन्म केड़ा जन्म आत्मा तो और हर इंसान नूं उहदे विच जन्म लेना पएगा की करना पएगा उहदे विच जन्म लेना पएगा इसी लिखिया वो बैठ जाएंगे प्रभु तुहानूं बरकत दे बहुत सारी आगे आगे और थोड़े जे पढ़ेंगे चिन्ह एक गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया जिसके विरोध में बातें की जाएंगी की जाएंगी जिवें अज भी लोग की होंगे ने यीशु के नाम च बहुत सारा विरोध करते हैं कभी कभी तुहाडियां फैमिलियां तुहाडे नाल की करदियां घर विचों ही तुहाडा विरोध हुंदा है की हुंदा है किहदे नाम दा क्योंकि गल्लां बहुत हजारां साल पहलां तो लिखियां गईं ये अज नहीं है कोई नवीं गल नहीं है कोई नवीं कहानी नहीं बन रही है हजारां साल पहले किन्ने साल पहला हजारां साल पहला तो बोले जिसके विरोध में बातें मतलब जिसे विरोध दियां गल्लां होणगियां कई लोग आखणगे ओ तैनूं की आखणगे ओ तुही भी साई बन गए हुण की बन गए तुही की बन गए तुही भी साई मैनू आज मार मैनू अज तक ये शब्द समझ नहीं आता लोग क्यों बोलते साई तो कई बोलते साई नहीं असीं की बन गए सही बन गए ईसाई का मतलब ईसा मसीह का मतलब समझ एक नाम इस तरह मसीहा मतलब बचाउन वाला की करने वाला मसीहा का मतलब बचाउन वाला इस दुनिया में आया पर लोग नहीं जानते वो पहले ही गया क्योंकि शैतान भी शातर है पाप पाप भी लोगों के जीवन किवें उहदे नाम च की होगा पहला तो ही विरोध होएगा लोग बोलते हैं उहदे नाम च
कई थोड़ी फैमिली बोलेगी, आंडी गुआंडी तनु बोलेंगी, पर जो बात जोएगा फिर बोलेंगे जिसकी नगाही किसकी और लगी, किसकी और लगी, दुआएं तुझसे की है उम्मीद है मेरी, दुआएं तुझसे की है, तो जिसने की है वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उसके जीवन में कौन आने वाला है, इसके जीवन में आया कि नहीं आया, प्रभु आया कि नहीं आया, इसने जो जो बात जो रहा था इसने उसको गोद में लिया और बोला अब प्रभु ते अपने दास, हे स्वामी अपने दास को क्या कर, विदा कर, क्या कर अपने दास को, विदा कर, विदा कर। तो आगे पढ़ेंगे पंथी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हाँ, इससे बहुत सारे हृदयों के विचार, जिन्हें लोगों के अंदर विचार ने, बहुत सारे विचार, तो सारे विचार क्यों जानेंगे, प्रकट हो जाएंगे, क्यों जानेंगे सारे विचार, जो कुछ भी अपने मन च लेके आए ने सब कुछ परमेश्वर प्रकट कर देगा। पर आज तो किसी बात जोना शुरू करो, आज तो अपने जीवन च किसी बात जोना शुरू करो, किसी वेट करो उड़ीक करो, मेरे जीवन चाहेगा और कौन करेगा कम, कौन करेगा, हर एक के जीवन च करेगा। दुआएं तुझसे की है उम्मीद है मेरी, तो जिसने की ली है उसके लिए, उसके लिए क्या गाएं, बोलो, जो मांगे नहीं मांगा नहीं, आज से सब मांगो क्योंकि देने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज के वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आज बहुतों का जीवन बदल जाएगा। आज से आप बाट जोने वाले बन जाओगे, आप उसके आगे प्रार्थना ही करने वाले बन जाओगे, आप अपनी उम्मीद किसके ऊपर रखोगे, क्योंकि आप जानते हो कि जिसके ऊपर मैं विश्वास करती हूं करता वो कौन है, कौन है वो सामर्थ्य प्रभु है, इसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए आज से उसके आगे प्रार्थना ही और उपवास दोनों चीजें अपने जीवन में करना शुरू करो। कितने लोग शुरू करेंगे अपनी आज से प्रार्थना ही और उपवास, तन फ्री विल है, जिन्ना करना चाहो तुसी कर सकते हो, फ्री विल है, फ्री विल ए पूरा किन्नी आज किन्नी डेट है 14, ए पूरे महीने, पूरे महीने की फ्री विल है, शोर्ट है, तुसी पूरे 15-16 दिन भी रख सकते हो, किन्ने दा महीना 30-31 बोलो, जिन्ने दा भी है तुसी पूरा महीना, पूरा पूरा महीना रख सकते हो, तो ये तन फ्री विल है। तुसी हफ्ते विच 2 दिन भी रख सकते हो, हफ्ते 3 दिन भी रख सकते हो, 1 दिन भी रख सकते हो, ये तुहाडे उपर है, जिन्ना तुसी ज्यादा लेना चाहते हो उन्ना ज्यादा किदे नाल वधो, बोलो किदे नाल वधो, किदे नाल वधो, शुरू करो, तुही करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू नहीं करोगे क्योंकि जड़ी चीज शुरू नहीं करांगे खत्म होएगी, पर ये खत्म होने वाला जीवन नहीं है, ये तद तक चलता रहना जब तक असी किदे नाल हैं, बोलो, पर साडे जीवन दी प्रॉब्लम ये कम तो चलता रहेगा, पर जड़ी साडी मुश्किल साडा पाप जुड़िया साडे नाल, इस चीज दे नाल की हो जाएगा, ओ खत्म हो जाएगा, तुहाडी आस की हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, की हो जाएगी, तुहाडी आस पूरी हो जाएगी। जोर से तारीफ करेंगे प्रभु के नाम की, जोर से आमीन। मैं सच्ची बोल रहा हूं कि बहुतों का आज जीवन बदल जाएगा, बहुतों का जीवन, बहुत सारे लोग गवाही के साथ आएंगे, अपनी आशीष के साथ आएंगे, बोलो क्या आएंगे, आशीष के साथ आएंगे, आमीन। आओ हम कुछ टेस्टिमनी सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए, आमीन।
आज सुनो सुनो आज आज जो मैं वर्शिप कर रहे सी मैं उतरिया सी थले तदों ही मैं आत्मा च अज इन्ना सरगर्म सी मैं अपने आप नूं रोक नहीं पा रहा सी मैं उदो ही आत्मा तुहानूं देण दे लई बहुत उतावला सी जदों परमेश्वर तुहाडी उन्नति चाहुंदा तुहानूं की देना चाहुंदा है कुछ देना चाहुंदा है बोलो की देना चाहुंदा है मैं बहुत उतावला सी आत्मा च अज की सी मैं जदों बोल रहा सी ते उदों ही मैनूं आत्मा कह रहा मैं अपने आप नूं रोकिया ताकि वर्शिप हो जाए बोलो की सी वर्शिप आदि वर्शिप हो जाए पर परमेश्वर कुछ तुहानूं सिखाणा चाहुंदा तुहानूं मैसेज देना चाहुंदा सी कुछ तुहानूं वधाणा चाहुंदा कि चाहते सी इसलिए अज मैं अपने आप नूं रोक नहीं पाया ज़्यादा देर समझ और परमेश्वर जल्दी नाल क्योंकि कभी कभी की होंदा आ टाइमिंग दे हिसाब दे नाल कभी कभी लोग जो टाइम बीतना ते सुस्त हो जाते हैं क्यों जाते नहीं कई लोग जो टाइम जदों उपर हो रहा टाइम कई कई लोग सुस्त पै जाते हैं कई नींद आनी शुरू हो थक जाते हैं फिर उनका मन नहीं लगता परमेश्वर जानता है बोलो करदा तुहाडी कमजोरी नूं दूर करन दे लई ओह तुहाडे मना नूं जानदा है बोलो जानदा कि नहीं जानदा आओ अपनी टेस्टमनी दे लई असी और भी सब चौकस हो जाएंगे चौकस चौकस हो जाए सब चौकस हो जाए हाँ ठीक है सब चौकस हो जाए तो ठीक है जी परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करता मैं अज के दिन लिए अज के समय लिए और जो रब के दास ने मैं उन्होंने बहुत सारा थैंक्स करदा और प्रेयर जी इन्हों नाम सुखविंदर और लद्देवाल तो आए ने ये दसते पे ने कि इन्हों जो पति सके उन्होंने किसी मूर्ति पूजा के चढ़ावे में इस तरह खा लिया और खाने तो बाद बहुत दिन बीमार रहे और बहुत सारी मेडिसिन भी लै रहे पर लेकिन आराम नहीं आ रहा और ग्लूकोश भी लगाए लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं और प्रेर जी जदों ही पिछले हफ्ते विच आए और संगति खत्म होने तो बाद मिले और तुहानू इन्होंने बोलिया और तुहाडे मुख तो परमेश्वर ने बोलिया कि तुसीं अपने पापा का इकरार करो और क्षमा मंगो कि परमेश्वर सानू माफ़ कर दो तो इन्होंने इस तरह ही किया और दसते पे ने कि असी घर गए और प्रार्थना की कि परमेश्वर साढ़े किए हुए पाप के गुनाह माफ़ कर और जो भी प्रॉब्लम आ रही है साढ़े वास्ते नहीं आ और परमेश्वर ने यह दसते पे ने जो इस तरह किया तो परमेश्वर ने आजाद कर दिता शमद सामर्थ्य नाम के कैसे छुटकारा मिलता है बोलो छुटकारा कैसे मिलता है मांगने से किसे मिलता है इन्हें चुक भी इन्होंने अपने जीवन च जान के भी प्रभु नू इन्हां दे पति ने गुनाह किया पाप किया बोले सामने पर मान लिया किन्ने चिर तो बीमार सी हाँ दो तीन हफ्ते तो बीमार सी चंगा होने लिए कितना समय लगा सिर्फ दो तीन मिनट है जो कहते बोलिया घर गए तो उदर ही चंगे हो गए जोर से तारीफ करेंगे तो प्रेस जी दसते पे ने कि इन्होंने लकोरिए प्रॉब्लम सी और जो साढ़े स्पिरिचुअल मॉम ने और इन्होंने प्रार्थना करवाई उन्होंने को और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बोलिया कि तुसी मतलब कि फास्ट रखो और फास्ट के प्रार्थना करनी और नाल प्लस वचन में पढ़ना और परमेश्वर तुम्हें चंगा कर चुके ने तो ये दसते हैं कि मैं घर जाके फास्ट रखिया और परमेश्वर की प्रार्थना करनी शुरू की और वचन में पढ़ना शुरू किया तो दस रहे हैं कि जो प्रॉब्लम सी परमेश्वर ने मैं आजाद कर दिया शुभ दे सामर्थी नाम प्रॉब्लम जिन्हें भी और लोग ने इस प्रॉब्लम के जिन्हें भी लोग ने वो भी यही करन वो भी आजाद हो जाएंगे सारे दे सारे की हो जाएंगे चंगे हो जाएंगे तारीफ करेंगे प्रभु तो प्रेरित जी इन्हां दा नाम गुरजीत है मालोवाल तो आए हैं और इन्हें दस्या कि इन्हें पूरी फैमिली चिकन बॉक्स हो गया सी
और इन्हों जो सस मां से उन्होंने बोलिया कि मैं अपने बच्चों जो कि इन्हों के बच्चे से उन्होंने वे माता जी को लैके जाना वे जो भी धार्मिक धार्मिक त्या वा वो करना वा और इन्होंने बोलिया कि मैं कोई भी रख धागा नहीं पाना क्योंकि मैं इन्होंने विश्वास नहीं रखती मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों लिए वधिया कर चुके हैं मैं इन्हों की जिम्मेवारी लैनी हाँ इन्होंने दसिया क्योंकि मेरी जिम्मेवारी परमेश्वर ने ली आ तो मैं विश्वास करती हाँ अपने बच्चों लिए और मैं तुहानू ठोक के कहनी हाँ कि मेरी जिम्मेवारी है मेरे बच्चे सही हो ना हो मैनू पता है कि मेरे परमेश्वर मेरे नाल आ और इन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं होएगा और इन्होंने विश्वास किया और एक हफ्ते में ही परमेश्वर ने इन्हों के बच्चों और प्लस इन्हों पूरी तरह उस बीमारी तो यीशु मसीह के नाम आजाद कर दिता छोर से दिल से तो प्रेरित जी इन्हों का परमजीत और लद्देवाल तो आए हैं दसते पे ने कि ये किसी के घर इस तरह काम कर रहे थे और उत्ते एक बाल्टी पई सी और पानी सीगा तो पानी दे विच ही कोई दवाई पई सी बहुत जहरीली सी जिहड़ी तो इन्होंने अपने हाथों के पा ले और हाथ पा के नाल मूँह ते छिट्टे मारे तो ये दस रहे ने कि उस दिन मेरी अखा बहुत ज़्यादा खराब हो गई मेरे सारे मूँह छाले हो गए और डॉक्टर ने बोलिया कि तुम खाना नहीं खाना और ना ही खादा जा रहा है सारा मूँह छालिया के नाल भर गया इन्हों और बहुत ज़्यादा परेशान सके और अखा जो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही सगियाँ और प्रेरित जी तुहाडे मुख तो परमेश्वर ने बोलिया कि इतने कोई अखा की प्रॉब्लम वाले ने उन्होंने परमेश्वर आजाद कर रहे हैं तो ये दसते पे ने कि जो मैं अगे बुलाया गया तो मैं आई तो मेरे उत्ते परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जो ही प्रार्थना हुई और दस रहे ने कि जिस दिन घर में गए तो परमेश्वर ने मैं आजाद कर दिया शब्द सामर्थ्य नाम सुनो 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 ये इनकी तस्वीर ये फोटो इनकी मैंने रखी है ये सब देखोगे आप ध्यान से ये पूरा मुंह शालियां दे नाल जख्म पूरा जख्म है और अखां पूरियां लाल बुरा आ लिया और प्लस ऐदे हत्थां दी मैं तस्वीर लई एक इहदे हत्थां दे उपर पूरे शाले बने पए की बने पए आ बहुत सारी मेडिसिन खादी की खादी और उस मेडिसिन ने काम नहीं किया पर किदे वच ने काम किया और इनू किन्ने चंगा किया परमेश्वर ने क्योंकि जीवत परमेश्वर ती जीवत हजूरी विचो किया साडे नाल और की कहना चाहते ने बस इस गवाही दे लई यहोवा परमेश्वर दा धन्यवाद करते जोर से ताली दिल से गगनदीप कौर है जहांगीर तो आए हैं और प्रेर जी पिछले संडे थोड़े मुख तो बोलिया गया सी कि जो लोग प्रभु भोज लैणगे उन्होंने शरीर में पाप ते मादगी दूर हो जाएगी और इन्होंने जो जिस दिन प्रभु भोज लिया संडे तो इन्होंने उस समय रिसीव किया कि सचमुच परमेश्वर जी अज प्रभु भोज लैन जा रही और मेरे शरीर में जो पाप ते मादगी आ तुसीं इह लैण दे सारे बिल्कुल फ्री कर चुके हो तो संडे ने इन्हें प्रभु भोज लैके गए और शाम को कहते असं प्रे ते बैठे और अज दो तीन मिनट इन्होंने प्रे की तो उस समय इन्हों तीन चार उल्टियां आई और उस राही सारे जो पाप ते मादगी सी परमेश्वर ने उस तो इन्हों यीशु मसीह दे नाल फ्री कर दिता है और एक चीज नोट करो पॉइंट कदी कदी सब लोग उस गल नू मन तो नहीं लेंगे बोलो कि लेंगे ने कुछ लोग मेरी उस गल नू मन तो लेंदे नहीं क्योंकि मेरी गल मेरी नहीं प्रभु ने कहा मेरा वचन मेरा नहीं मेरे भेजने वाले का और जो कोई उसे ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा जो मेरे वचन नू मेरे पिता नू ग्रहण करेगा क्योंकि मैं भी किदा वचन देना तनु बोलो पर कई लोग मनुष्यता समझ के लेंदे किदा समझ के मनुष्यता पर जो लोग परमेश्वरता समझ के लेंदे नहीं उनके जीवन च की हुंदा है प्रभावशील जिवें दे जीवन च हो गया की हो गया बोलो किया क्योंकि प्रभु भोज तो सब ने लिया पर मादगियां कमजोरियां क्योंकि जो भी इंसान हो उन्हें मन तो खाएगा बोलो किया खाएगा और पिएगा उसने ने किया मेरी जात विच समरण मतलब मेरी जातगिरी दे विच ए तुसी करया कर मैं देना है अपना शरीर तो मन तो लिया तो की करता फ्री करता और
और प्रेरित जी ने दसिया कि वीरवार शाम की संगति से आए थे और प्रेरित जी मुख तो हीलिंग्स हो रही थी कि जिन्होंने खून की कमी आ तो इन्होंने उस समय रिसीव किया और उस गल और कहते कि जो मेरे शरीर में इन्नी वीकनेस रहिंदी सी जो भी घर का काम करते इन्हां दी लत्तां बाहां कामदियां सी और जो वीरवार रिसीव करके गए तो कहते उस दिन तो लैके परमेश्वर ने अज तक मेरी जो कमी सी प्रेत भी बैठते इन्हां दी लत्तां बाहां कम जांदियां सी और कहते कि मैं प्रार्थना में भी परमेश्वर बोलती रही और विश्वास किया तो कहते जो मेरी वीकनेस सी परमेश्वर ने वह भी यीशु मसीह के नाम पूरी कर दी है यीशु के नाम च दिल से जोर से तो प्रेरित जी इन्हों मनप्रीत और लद्देवाल तो आए हैं दसते पे ने कि इन्होंने पति दे किसी लेडीज़ नाल नजायज संबंध सीगे और ये बहुत ज़्यादा परेशान सीगे और ये दसते पे ने कि शैतान मेरे मन नूं कह रहा सीगा कि वेख तू संगति दे विच जा रही हाँ पर तेरा पति अजे भी नहीं हट पा रहा और कह रहे सी इस तरह मैं संगति दौना भी छड्ड दिता लेकिन इन्होंने फैमिली दे विच ही इन्होंने बाकी परिवार जो इत्थे पवित्र संगति दे विच आ रहे ने उन्होंने समझाया कि परमात्मा इस तरह नहीं करता ये तो शैतान ने इस तरह किया उहदे जीवन नूं लेकिन तुसीं क्यों सत्संग नूं छड्डिया और परमेश्वर के वचन च भी लिखा आ कि परमेश्वर ने कहा कि तुसीं संसारिक पिता हो के जे तुहाडा बेटा जां बेटी आ रोटी मंगे तो की जोई सप दवोगे उहनूं कि दुध मंगे तो की जहर दवोगे उन्हें कहा कि जे तुसीं संसारिक पिता हो के चंगीयां चीज़ां देना जानते हो तो की मैं सेना दा यहोवा तुहाडा भला नहीं कर सकता और इन्होंने विश्वास किया परमेश्वर उत्ते कि परमेश्वर ठीक है मैं इस तो बाद फिर संगति में जावांगी और ये दस रहे ने कि जो संगति में उन्होंने शुरू किया और परमेश्वर ने जो इन्हों का पति नजायज संबंध में फसया होगा और परमेश्वर ने आजाद कर दिया शुभ दे सामर्थ्य नाम दे विच जोर से जरूर आ अगर किसी और प्रॉब्लम आ जो यदि बच्ची की प्रॉब्लम से अगर किसी और दे भी है किसी और किसी मतलब समझने भैन के जीवन से इस तरह हैगा या वो पति के जीवन से आ अगर वो अपने मन को खराब करेगी बोलो करेगी तो जड़ी शांति आज सुनिया ना शांति की बात जो रहा है अगर जो गए नहीं समझ आ गई ना इसके बच्चन की आ गई समझ शांति की बात की कर रहा सी अगर तुसी जोगे नहीं बाट ओदी तो तनु बहुत शैतान ओदे तो की ले जाएगा दूर बोलो की ले जाएगा बहुत दूर ले जाएगा इसलिए इसी के वर्शिप सॉन्ग लोन गाने है ना जे तू मन लावेगा हालातों ते की हो जाएगा कमजोर हो जाएगा जे तू मन लावेगा यहोवा ते नया बल पावेगा किधर को पाओगे बल उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हाँ बोलो नाम बलजीत कौर और पिंड झंडे तो आया और इन्होंने दसिया कि इन्हों की सस माँ से उन्होंने एक साल तो प्लस हो चलिया उन्होंने खांसी की प्रॉब्लम सी और कहते कि बहुत ज़्यादा खांसी आती सी और बहुत ज़्यादा मेडिसन भी लैके दी उन्होंने कोई फर्क नहीं सी और उन्होंने बीपी भी वाधा सी और प्रेरित संडे को संगति से आए और प्रेरित जी इन्होंने तुहानू दस्सिया कि मेरी सस मम्मी बीमार ने और प्रेरित जी तुहाडे मुख तो वचन आया कि तुसीं एवें उन्हां लैके आओ संगति विच और इन्होंने दस्सिया कि वह संगति विच नहीं आ सकते भी और तुसीं इत्थों प्रे कर दो चंगे हो जाणगे और प्रेरित जी अपनी मम्मी का नाँ दस गए और तुहाडे मुख तो प्रे होई कहिंदे मैं तो नहीं जाती परमेश्वर जानता कि हुण उस दिन तो मेरी मम्मी दो संडे संगति दे नहीं आए पर उस दिन तो इन्हां दी मम्मी बिल्कुल चंगे हो गए ने और वह खाणा भी नहीं सी खांदे और उन्होंने खाणा खाणा भी शुरू कर दिता वा और इन्हों की गवाही है कि इन्हों की अखा से फिंसियाँ हो गई सी उस इन्होंने प्रे की और परमेश्वर इन्होंने बिल्कुल चंगिया कर दिता और इन्होंने गवाहियों यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तारीफ करेंगे तो प्रेरित जी इन्हों का नाम किरण और मैते के रहने वाले ने दसते पे ने कि मक्खन मंडी में इन्हों की रिश्तेदारी और रिश्तेदारी के इस तरह आए और ये दसते पे ने कि इन्होंने परमेश्वर की संगति में आना शुरू किया और ये दस रहे कि इन्होंने पापा का काम ड्राई क्लीन का वा और एक साल तो कितने भी
मतलब कि उन्होंने कोई किराए से दुकान लेना चाहते थे पर मिल नहीं रही थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान सीगे और ये दस रहे ने कि जो मैं संगति में आई और परमेश्वर ने मेरे मन को खोल लिया और इन्होंने चार दिन लगातार फास्ट रखिया रोजा रख के प्रार्थना करनी शुरू की और इन्होंने परमेश्वर को बोलिया कि परमेश्वर तुसी मेरे पापा के काम को चला चुके हो जो दुकान सानू नहीं मिल रही परमेश्वर तुसी दिवा चुके हो और परमेश्वर के वचन च लिखिया कि सेना दे यहोवाहू आखता है कि तू मैनू पुकार ते मैं तैनू उत्तर देंगा मेरे कान तुहाड़ियां दुहाइयां उत्ते लगे हुए ने और जदों ही इन्होंने परमेश्वर अगे दुहाई दी और परमेश्वर ने इन्हों की आवाज़ को सुनिया और जिस दिन ही इस तरह इन्होंने रोजा रख के प्रार्थना की परमेश्वर ने उस दिन ही इन्होंने पापा को ते दुकान दे दी शुमत सामर्थ्य उस दिन नाम से कुमारी हर गड्डी तो सुनो लिखा परमेश्वर के वचन में परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह में तुम्हारी हर गड्डी क्या करेगा पूरी करेगा किसे महिमा से अगर आपके जीवन में उसकी महिमा नहीं है तो गटी कैसे पूरी होगी क्योंकि बच्ची ने किसकी महिमा की किसकी महिमा की परमेश्वर किसके आगे रोजा रखा और किसके आगे प्रार्थना की परमेश्वर ने महिमा से मसीह में हर गटी तुम्हारी क्या करेगा पूरी करेगा और तो प्रेर जी दसते पे ने कि बाकी फैमिली तो इन्हों की अजे नहीं आती है लेकिन विश्वास करते हैं एक इन्हों की सिस्टर आ थोड़ी मैंटली प्रॉब्लम आ लेकिन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तुसी मेरे लिए सब कर चुके हो परमेश्वर मेरी पूरी फैमिली ने ही अपनी पवित्र हजूरी में लिया चुके शमस के सामर्थ्य उस दिन नाम आमेन प्रेरित जी इन्हां नाल दलबीर कौर और ये वल्ले पिंड तो आए आ और इन्हें दसिया कि इन्हों का वड्डा पोतरा वा जो तीन महीनों तो काम से नहीं सी जा रहा और इन्होंने अपनी समझ के नाल बहुत वारी उन्होंने कहा कि तुसी काम से जाओ पर उन्होंने इन्हों का कहना नहीं मनिया और जो इन्होंने परमेश्वर अगे विनती प्रार्थना की तो उस दिन तो ही जो इन्हों की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी तो इन्हों जो इन्हों का जो पोतरा वा उन्हें काम से जाना शुरू कर दिता वा जो कि वह पहला काम से मन नहीं सी लगता और ये बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्होंने बहुत वधिया काम दिता और उसका मन भी लग गया वा और दूसरी इन्हों की गवाही है कि इन्हों के छोटे पोतरे आ और इवें खेड रहे से और कहें कि जो शू से उसमें जिमें तारा लगिया हुई और उन्होंने बच्चों ने पेंसिल दे दी उस शू के और उन्होंने भी करंट पै गया पर परमेश्वर ने बहुत वधिया उन्होंने संभाल के रखिया और इस गवाही लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं चोर से तो प्रेर जी इन्हों का मंगल सिंह जी और वल्ले के रहने वाले ने यह दसते पे ने कि एक काम कर रहे थे राजमिस्त्री का काम करते हैं लेकिन गो ते काम कर रहे और गो के उपरों डिग पे लेकिन दसते पे ने कि जो गो तो डिगे तो मैंने कोई भी सट नहीं लगी परमेश्वर ने पूरी तरह मैं संभाल के रखे शुभ के सामर्थी नाम के और ये दसते पे ने कि इन्हों का किसी थोड़ा झगड़ा होया और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तुसी साडा राजीनामा करा चुके हो मसीह सामर्थ्य और पवित्र नाम दे विच तारीफ करांगे सच्चा परमेश्वर हर एक के साथ जल्दी 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 प्रेर जी इन्हों का नाम राजबीर आ और पिंड झंडिया तो आए आ और प्रेर जी ने दसिया कि परमेश्वर जी ने यीशु मसीह के नाँ च इन्हों बुलट मोटरसाइकिल से न्यू घर के नाल ब्लैस किया यीशु मसीह के नाँ च और इन्होंने दसिया कि 9 साल हो गए थे ये चीज़ मांगते हैं और अज परमेश्वर ने इन्हों की इच्छा पूरिया कर दिता यीशु मसीह के नाँ च तो प्रेर जी इन्हों का नाम अमन है और सोइया के रहने वाले ने दसते पे ने कि इन्हों ब्रदर ने इस तरह थोड़े इन्हों को पैसे मंगे तो इन्होंने दिते नहीं आप ही नहीं दिते पैसे तो सी कि मतलब कि किसी और जगह से मतलब कि इस्तेमाल ना करे
और ये दसते पे ने कि वो घर विचों लड़के तो इस तरह चार दिन हो गए सी चला गया, लेकिन इन्हें सारे रिश्तेदारों को सारे को पूछा, सारे फोन किया लेकिन वो कितने भी नहीं लभ रहा। और प्रेरित जी ये दसते पे ने कि कल तो इन्होंने इस तरह फोन के उपर प्रार्थना करवाई और बोलिया कि प्रेरित जी आ प्रॉब्लम आई आ, और तुहाडे मुख तो परमेश्वर ने बोलिया कि जाओ तुहाडा जो ब्रदर आ अज ही घर आ चुके हैं। और ये दसते पे ने कि जो मैं कल अपनी ड्यूटी के शाम को घर में आई तो मैं आके देखा कि मेरा जो ब्रदर सीगा घर आ चुका है यीशु मसीह सामर्थ्य और जिंदा नाम। सब सुनो, एक चीज यहां, जो कोई भी अपनी गवाही, चाहे मेरा कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, बोलो कि यहां रूल एज रूल, रुक जाओ, रूल एज रूल, चाहे मेरा कितना भी करीबी क्यों नहीं, अगर तुम इस जगह पे बैठे हो टाइम ना लाना, क्या आना यहां टाइम ना लाना, बोलो की आना है टाइम ना लाना, बोलो की आ टाइम ना लाना, और अपनी गवाही पहला आके लिखानी है। उसे वेले अगर तुम उसे वेले कुछ बोल रहे हो तो असी गवाही नहीं लवांगे, बोलो की आ असी उसे वेले गवाही असी नहीं लवांगे। पर मैं जानता इन्हों के जीवन च प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया, इन्हों की अपनी प्रॉब्लम जी इन खुद की प्रॉब्लम है, अगर असं देखिए भी ज्यादा वही खुशी इन्हों प्रभु ने दिखती है कि दिखती है ठीक है। अज असी क्योंकि जीवन का काम इदा दी खुद की अपनी गवाही नहीं है, क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता है, बोलो की करता है बहुत कुछ सोचता है। पर मैं तनु सामने नहीं लैके आवांगा, बस इन्ना ही मैं दसांगा जरूर इन्हों की, खड़े रहो तुसी इत्थे। इन्हों दे दो बेटे हैं और दोनों बहुत नशा करते, ड्रिंक दा की करते ने, एक आर्मी च आ बहुत ज्यादा ड्रिंक करता, पिछले दिन उन्हें जीवन च एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ गई, एक बीमारी का नाम आ लीवर च दे सोज आ गई, कोई चांस नहीं सी बचन दे, बोलो कोई चांस नहीं सी बचन दे। सच्चा परमेश्वर सच्चा है, वह हर एक नु एक वारी उन्हें जीवन च की देंदा मौका देंदा है, पर जो बार बार करे लिखिया फिर पापों के पश्चात कोई दूसरा बलिदान, एको ही मसीह है। अगर असी जान के उन्हें एक बारी अपने आप नूं नहीं सुधारिया तो दूसरा मसीह है, एक दे नाल नाल दूजा भी की बन गया। एक दे जीवन च हालात कदी कदी कुछ हालात साढ़े जीवन च साड़ी बढ़ोती दे लई साड़ी अशियाई दे लई प्रभु की महिमा दे लई मत घबराओ, बोलो की मत घबराओ। कदी कदी कुछ हालात साढ़े जीवन साढ़े वधन दे लिए, बोलो की आ साढ़े वधन दे लिए प्रभु की वड्याई दे लिए उहदी महिमा दे लिए तुहाडे जीवनां नूं तुहाडे घराने बचन वालिआं दे बचन दे लिए समझदे हो। इस कारण उसदे जीवन नूं वेख के जिहड़ा दूजा सी पहली गल है कि उह प्रभु दे विच नहीं आ, हुण उह हर थर्सडे वीरवार की मीटिंग शाम नूं आंदा आ और जल्दी प्रभु नूं संडे की मीटिंग च भी लैके आएगा, क्योंकि बिल्कुल नवा आना शुरू किया नहीं अजे, पर जल्दी नाल अज समा महीना हो गया उन्हें, उन्हें ड्रिंक नहीं की, नहीं तो दो दिन नहीं निकल दे कि नहीं से निकल दे, प्लस वह एक नाल एक बंदा वह जो लेबर का काम करता अज भी वो नाल जुड़ के, क्योंकि जिदा की संगति की कहें जिदा की संगति होएगी वो की होएगा,
बोलो क्यों होगा रंगत उदा दी आएगी। वो बंदा रोज वो तो फिर एक दो दिन नागा पा लेना और रोज 150 रुपए की देसी शराब जब तक पी नहीं लेंदा तब तक रोटी नहीं खाता फिर पी के रात के 11-11 बजे तक गलियां च घूमता रहा कदी कदी ये दस दे आ के साढ़े दरवाजे आके गेट खड़का रहा है एवं फालतू च क्योंकि शैतान ने की कीती समझने पाप की चीज है। और अज 15 दिन हो गए किन्ने दिन उस बंदे ने भी की नहीं की जेड़ा बंदा एक दिन नहीं कट सकता एक बाइट एक रोटी की बुरकी नहीं खा सकता बिना ड्रिंक तो अज 15 दिन हो गए 2 हफ्ते क्योंकि वो नाल अगर वह जीवन उदा हो गया तो की हो गया जिदा की बहनी क्योंकि जिदा का तुम भी है ना कभी कभी साड़ी बहनी मतलब समझने कि हो जाती संगति जिन्होंने संगति बोलते बुरी संगति करोगे तो बुरा प्रभाव आएगा अच्छी संगति करोगे तो की होएगा अच्छा प्रभाव आएगा बुरी संगति नाल बुरी गल्लां सुनोगे तो की आएंगे बुरे विचार आएंगे बुरी गल्लां सुनोगे तो की आएंगे चंगे विचार आएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा खाण पीन के नाल अशुद्ध नहीं मनुष्य हुंदा कादे नाल हुंदा जो संसार विच लोक प्रभु ने कहा खाण पीन के नाल कोई अशुद्ध जो कुछ तुहाडे अंदर हुंदा आ जिहड़ा मूंह ते आउंदा उहदे नाल उपरिष्ट हुंदा है किंदा आ खाण पीन के नाल अशुद्ध नहीं हुंदा किंदा जो कुछ तुहाडे अंदर बणदा है ते मूंह तों आंदा आ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਸ ਕਰੋਗੇ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ ਉਪਾਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੋੜੇਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ इस कारण जरूरी है संगति जिहड़ी असीं करदे हां बुरी करोगे तो बुरा पुरा आया बुरियां गल्लां सुनोगे तो बुरे विचार आए की आणगे क्योंकि मैं जानदा अच्छियां गल्लां तुहाडे अंदर घट फड़दियां आउंदियां ने ते जिहड़ियां बुरियां गल्लां ओह फड़ 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 करदियां आउंदियां की आउंदियां ने संसार की कोई भी गल है मतलब की है संसार की कोई भी गल है तो बहुत जल्दी अंदर आती पर परमेश्वर की गल बहुत इदां आउंदी जे तुसी जिद्दां दा मन रखोगे उदां दा इसलिए प्रभु ने कहा जो कुछ तुहाडे मन दे अंदर उत्पन्न हुंदा उही मूंह ते आंदा है की आंदा आ उही आंदा है। इसलिए इन्हां दे दोनों बेटियां दे नाल नाल एक और बंदा ता भी जीवन बचिया अज उहदी फैमिली च आया कोई नहीं आया तो कदी कदी कुछ लोगों नूं समझ नहीं आती कि कौन ऐसा कर सकता है बोलो इदा हुंदा है किसी नूं नशा छडाउणा होवे ते कित्थे लैके जाणा पैंदा है नशा छडाऊ केंद्र नशा छडाऊ केंद्र पर इह कीड़ा केंद्र है जिथे सब कुछ की जांदा है फ्री विच छडाया जांदा है इह कीड़ा केंद्र है जिथे सब कुछ फ्री विच विश्वास विच परमेश्वर जीवन देने दे लई कोई मुल नहीं लैंदे वह अलग गल है कि तुसी परमेश्वर के लिए उहदे भले कम्मां लई बोंदे हो किहदे भले कम्मां दे लई बोंदे कि नहीं बोंदे हो जिवें प्रभु की महिमा के लिए जगह छोटी पै गई इत्थे बहुत सारे लोग बारिश के कारण है और ये वो लोग ने जिन्हां नूं अजे परमेश्वर के राज की समझ है जिहड़े बारिश नूं वेख के मौसम के हिसाब नाल चलते हैं असी मौसम के हिसाब नाल नहीं असी किहदे हिसाब नाल चलदे हां बोलो मैं तेज तूफान गलियां दे विच बाइक ते गया है तेज तूफान ते गले निकल रहे हैं और मैं फिर भी बाइक ते इदां तरह के जा रहा वो नहीं भी रोक सकता जो समझ आती परमेश्वर दे राज की आती है जदों कई लोग मेरे नाल गवाह ने जड़े मेरे साथ ने जो समझ आ कई नूं समझ नहीं आ जाए जो समझ आ जाएगी उन्होंने कोई चीज रोक जो कि प्रेम आ जाएगा तुहाडे अंदर फिर तुम कि जो जियोगे इस कारण बड़ा ही धन्यवाद है कि एक मां अपने बच्चों की
खुशी है, पर रूल एज रूल है। अगर वो अपनी गवाही नू आके तुरंत आन के लिखांदे तो मैं जरूर उन्होंने इत्थे स्टेज ते लैके आंदा ताकि बाकी लोग भी समझ जान। बोलो की हाँ, बाकी लोग भी समझ जान। मैं इसलिए कह रहा चाहे मेरा किन्ना भी कोई करीबी आ, रूल एज रूल, माइंड नहीं करना ताकि बाकी अंदर भी आने तो बाकी लोग सोचेंगे कि उन्होंने शायद कुछ अपने हाँ। इस करके मेरे लिए सब तुसी एक समान हो। बोलो की हो, मेरे लिए सब की हो तुसी एक समान हो। सकता शायद मैं उन्ना अपना ने नहीं जिन्ना है जेडे प्रभु की इच्छा नु पूरा कर दे, मैं उन्ना नु प्रेम करता है। किन्ना नु जेडे कि इच्छा नु पूरा कर दे ने, है ना, ते खुशी दी गल तो है। बोलो की हाँ, खुशी दी गल है। इसलिए इस गवाही लिए असी जोर से प्रभु की तारीफ करें। जीवन की गवाही है ना, बहुत छोटी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। आज अगर उन्होंने जीवन च प्रभु का नाम ना होता तो कुछ भी हो सकता सी, की हो सकता सी। इसलिए आओ असी अपने अखां नूं बंद करांगे, असी अपने बीस नूं बोवांगे जो परमेश्वर दे असी राज दे लिए भले कमां लई बोने आ। असनु सब सुनो, मेरी गल सुनो ध्यान ना, रुक जो कोई गल नहीं, सुनो सारे सब मेरी वाल ध्यान करो। और असी बोने क्यों हैं, बोलो असी क्यों बोने हैं, बोलो कोई रीति है, असी क्यों बोने हैं। परमेश्वर दास पौलुस जी फिलिपियों के लोगों को कहते मैं दान नहीं तुहाडी उन्नति चाहना, किदी उन्नति चाहना, मैं दान नहीं मैं तुहाडी उन्नति चाहना। तुहाडी कौन उन्नति चाहता है, परमेश्वर चाहता। इसलिए तुसी किदे लई बोवो, क्योंकि प्रभु ने कहा जिन्ना, ऋषिदास बोले कहते जिन्ना कोई बोएगा उन्ना ही कटेगा। पर शैतान तुहानू इन्नी जल्दी प्रभु दे लई इन्ना कुछ करन नहीं देगा। बोलो इन्नी जल्दी तुहानू इन्ना कुछ करन नहीं देगा, पर जो करेगा वो पाएगा। जिन्हें खुद नहीं किया वो दूजे नूं ही आप नाल दस दस, जिन्हें खुद नहीं किया, जिन्हें खुद नहीं किया वो दूजे नूं दस। मैं तो प्रभु चाहिया, मैं पाप विच सी, मैं बहुत कुछ ऐदां किया, लास्ट मेरे अकाउंट विच 50,000 रुपया सी जिहड़ा मैं खाली करता। किहदे लई, बोलो किहदे लई, कोई कर सकदा है, प्रेम। बोलो की आए, एक प्रेम है, प्रेम। थोड़े दिन मेरी गवाही सुनी है उस पवन दे लई जिहड़ी असी बना रहे हैं, जिहड़ा उत्थों इनकार हो गया सी, तो मैं एक बलिदान चढ़ाया प्रभु दे अगे। पहला सोचिया कि जे करेंगा तो इदा करांगा, पर मैं सोचिया कि मैं तो स्वार्थी हूं, जे करेंगा तो मैं तू मैं नहीं भी करेंगा हुण मैं तद भी करांगा। बोलो जे तू नहीं भी करेगा मैं तद भी करांगा। इसलिए मैं चीज तुहानूं दसदा, अपने टाई, अपने दशमांश, अपने दान जो तुसी प्रभु दे भले कम्मां लई बोंदे हो वो अलग चीज, पर जो असी प्रभु दी उस सेवा दे लई अज उत्थे बहुत सारे लखां रुपइयां दा खर्च है। किन्ने दा, लखां रुपए दा सज्जा, कोई 10-20-50,000 दा नहीं है, लखां रुपए दा खर्च है। बोलो की हाँ, लखां रुपए का खर्च है, पर तुहाडे तुहाडे मन का प्रेम, तुहाडे जीवन का प्रेम तुसी किन्ना कि प्रभु नूं करदे हो, कित्थे पता लग जाएगा, इत्थे लग जाएगा पता, कि लग जाएगा कि तुसी किन्ना कि प्रेम करदे हो, कि तुसी किन्ना उहदे लई कर सकदे हो, की कर सकदे हो उहदे लई। कई लोग मेरी इस गवाही नूं लैके उन्होंने अपने जीवन च फैसला लिया, असी भी करांगे, क्योंकि मनुष्य का समझ के नहीं, कि समझ के लेंदे की लेंदे ने, और वो बुद्धिमान ने मनुष्य, क्योंकि बुद्धिमान अपना घर कित्थे बनांदा, चट्टान, समझ हो। इस करके कोई कमी, बोलो कोई कमी,
अजे सानू चंद लोगों ने नाम लिखाया, चंद लोगों ने, चंद लोगों ने, अगर मैं डायरी कढ़ा तो मात्र सिर्फ अठ या दस लोग। अज बहुत सारे लोग जिन्हें तुसी इत्थे बैठे हो इस तो ज़्यादा शायद नहीं पर आए नहीं है, मात्र सिर्फ अठ दस लोगों ने उत्थे खाने की जिहड़ी जरूरत आ, सिर्फ अठ दस लोगों ने नाम लिखाया कि असीं लैके आवांगे। कई ना बहुत वध के प्रेम इतने इसे तुहाडी मंडली के अंदर ही एक सिस्टर ने भैन ने जिन्होंने लिखाया सिर्फ अठ लोगों ने, अठ तो दस लोग इतने बैठे ने कहते असी जिन्ना तक चलेगा काम साढ़े वालों, वो कहते जिन्ना चर काम चलेगा साढ़े वालों जाएगा, पर कई लोग चलो नहीं आओ अलग गल है, पर कई एक दिन लिए भी अपना मन नहीं तैयार कर दे, चाहते बहुत कुछ ने, बोलो चाहते आ भी हो जाए, आ भी मिले, आ भी मिले, पर बलिदान कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहते परमेश्वर, बलिदान कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहते। बहुत सारी उत्थे सेवा की लोड़ है, चाहे भाई ने, हाँ भैणा की भी अजे वारी नहीं आएगी फिर उन्होंने भी अनाउंस करांगे, पर भाइयों के विचों उत्थे बहुत सारा काम है, वह अपना नाम लिखा सकते हैं कि असीं भी सेवा उत्थे आवांगे करन दे लई, क्योंकि मेरा नहीं है, कितने लोग कहते मेरा है, किदा है, बोलो किदा है, समझ गए, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे अपने तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे अपने तो कुछ सब कुछ किद को हो सकता है, यीशु मसीह कहा मनुखों को नहीं परमेश्वर को हो सकता है। तो इस कारण भाइयों विचों जो जो भी जिन्हों के जवान बच्चे ने जां खुद भी जो सेवा करने चाहते हैं प्रभु लिए, असी बड़े भाग्यशाली हैं कि असी प्रभु की सेवा दे लिए की हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, बोलो की हो रहे हैं, बड़े भाग्यशाली असी कि प्रभु सानू ये मौका दे रहा दे लिए। संसार विच असी बहुत सेवा की, बोलो की है, पर मैं तुहानू एक सच्ची चीज़ कहना, प्रभु दे विच शैतान तुहानू ज़्यादा कुछ कर नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता जे ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा पाएगा, की करेगा ज्यादा करेगा तो ज्यादा पाएगा, पर तुसी मनुख दे लिए नहीं, किदे लिए करना, सच्चे परमेश्वर दे, मनुष्य दे लिए नहीं, किदे लिए करना, बोलो सच्चे परमेश्वर दे लिए करना। थोड़े दिन पहला ही अज मैं जानता नहीं हाँ मेरे, मैं तुम्हें सच्ची दसदा आत्मा की अज गल, अज मैं जो तुम वचन देने वाला सी, जो मैं पहला प्रार्थना च परमेश्वर नाल मांग रहा सी, वो वचन सी कि उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए हैं, क्या है, मरे हुए हैं, और लिखिया आज्ञा न मानने वालों में अब भी वो कार्य करता है, कौन, शैतान, जो किसी गल नहीं मानते, पूरा एक फैमिली है, एक परिवार है, उन्होंने घर प्रभु की हजूरी होंगी है, शाम को संगति होंगी है, उन्होंने घर जाओ तो अपने काम कार च लगे रहते कि लेंदे ने, शायद उन्होंने कोई इतने बैठा हो अज अपने काम कार विच लगे रहते हैं। मैं जदों जाना तो उन्हें अपना काम कुम करके फिर बैठना, फिर मैं जी गल शुरू की होनी उन्होंने नहीं पता कि गल कितों शुरू हुई, समझ, और आखिरकार लिखा शैतान सी दे बुक वांगू फाड़न लई किया तैयार है, समझ नहीं, कभी परमेश्वर की कुछ भी वो आदर के लिए उन्होंने अपनी मतलब जो कमाते हैं उस कुछ परमेश्वर का आदर नहीं किया, बोलो की नहीं किया, आदर नहीं किया। परसों दे एक अच्छे सब उठे चाह पानी पीता कुछ कर कम कार करके कूड़ा लैके बाहर जा रहे हैं और सुट के वापस आए, पेट च दर्द उठी और मुश्किल इन्नी वध गई, आईसीयू दे विच ने बैड का खर्चा 3000 रुपया कल का कहते 20000 तो उपर लग गया है, कि लग गया 20000 तो ज्यादा लग गया है, पर जदों जानते आती है तो इंसान नूं की करना पैंदा, सब कुछ करना पैंदा, करना पैंदा कि नहीं करना, पर अगर परमेश्वर की गल आ जाए पर परमेश्वर फिर भी भला है, बोलो की आओ, असी जानते हैं कि इंसान वचन दादा आज्ञा ने मानने वाले में कार्य कौन करता, परमेश्वर तुहानू कदी मुसीबत विच पाना, कदी तुहानू दुख देना नहीं चाहता,
वो तुहानू बचाउण दे लई आया और बचाउण दी खातिर ही उन्हें अपना जीवन का बलिदान दिता। पर जे असीं गल नू नहीं समझे उदा नहीं चले तो अपने पाप विच असीं फसे रहने। ठीक है, इस करके हर चीज विच जो पैना उत्थे खाने की जरूरत है अपने नाम लिखा सकते हैं। पाइयां दे विचों जो जो सेवा करना चाहते हैं उस पवन की बोलो की आ संसार विच कई लोग असी मैं छोटे होंगे से अस स्कूल पढ़ते सी एक सेवा चलती होंगी सी अभी पंद्रह पंद्रह दिन लगातार जाते रहे कितने दिन समझ नहीं आ मैं अज भी याद है गड्डी आती होंगी सी इस तरह करके तो इस करके परमेश्वर ने आजाद इच्छा दी है जो किसी का नहीं भी मानिया तो कोई गल नहीं बोलो की आ परमेश्वर बरकत दे आशीष दे और वधावे पर जो करना चाहते ने वो अपने नाम लिखवाण ताकि किसी चीज विच प्रभु दे उहदे विच की ना आवे कोई कमी बोलो की ना आए अपने तन अपनी हर एक चीज नाल की करो बोलो की करो उसकी महिमा करो। ठीक है जी, तो परमेश्वर अपनी बरकत देवे। आओ अपने अखां बंद करो अपने बीज नूं हत्थां विच लै लो। सब अपने बीज नूं अपने हत्थां विच लै लो। बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे सब पिछे बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस काश अते पृथ्वी नूं बनाउण वाले मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे खुदा बाप, मैं जाण दिया मैं जानता हाँ कैसी इस योग नहीं सी असी प्रभु तेनों दे नहीं सकते कुछ, पर तेरी अपार कृपा है, ये तेरी करुणा है कि असी तेरे सच विच आके असी तेरे लिए कुछ कर पा रही है, असी तेरे लिए कुछ कर पाइए। मेरे प्रभु सानू करन वाला मन दे, बोन वाला मन दे, ताकि साड़ी आशीष प्रभु तेरे साथ रह कर साडे नाल बनी रहे। आमीन। आज इस वर्षिप सॉन्ग नाल असीं अपने बीस नूं बोवांगे। हेलो, धन्यवाद करदे आं परमेश्वर जी दा इस वर्षिप सॉन्ग दे लई। तेरी ओर देखना, तेरी आवाज को सुनना, तेरी ओर देखना, तेरी आवाज को सुनना, तेरी ओर देखना, तेरी आवाज को सुनना, सुनना, तेरी ओर देखना, तेरी आवाज को सुनना, तेरी ओर
यीशु तेरा प्यार मेरी जिंदगी बन गया है, यीशु तेरा प्यार यीशु तेरा प्यार मेरी जिंदगी बन गया है, यीशु तेरा प्यार मेरी जिंदगी बन गया है, यीशु तेरा प्यार मेरी जिंदगी है, यीशु तेरा प्यार मेरी जिंदगी है, यीशु तेरा प्यार मेरी जिंदगी Yeah.
बन गया है। हालेलुया। मेरे माइक की आवाज खोलो थोड़ी, मेरे माइक की आवाज खोलो। कई लोग जिवें परमेश्वर ने अपने नाम नालों ज्यादा महत्ता किन्नू दिती है? वचन। बोलो की है? वचन। जिदे जीवन च वचन नहीं वो कुछ भी नहीं, जिदे जीवन च वचन नहीं है वो कुछ भी नहीं। इसलिए लिखिया हे सौन वालिया जा ते मसीह दी ज्योति तेरे उत्ते चमकी। हे सौन वालिया जा ते मसीह दी ज्योति चमकेगी तेरे ते। जब तक असी जागांगे, क्योंकि मुर्दा व्यक्ति मरे हुए इंसान दे जीवन च कुछ नहीं है, तो जागना पड़ेगा। बोलो की करना पड़ेगा? अपने जीवन च जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और दे वचन ऊपर अपने जीवन नु चलाना पड़ेगा। की करना पड़ेगा? अपने अपने जीवन नु किदे वचन अनुसार चलाना? परमेश्वर दे वचन अनुसार। अपनी मर्जी नु किदी मर्जी नु पूरा करना? अगर तुसी अपनी कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने जिस इच्छा तुहानू बुलाया, यीशु मसीह ने कहा मैं अपने भेजन वाले की मर्जी नू की करदा पूरी कर, कि जिन्हें मैंने भेजा है मैं उसकी मर्जी की करदा पूरी पूरी करना है। और मेरा भोजन भी यह है मैं अपने भेजन वाले की मर्जी नू की करा पूरी करा। इस करके कई लोग, कुछ लोग हीलिंग जो असं करते हैं तो बात जो रहे होंगे हीलिंग की, बात जो रहे हीलिंग की भी अच्छी गल है। तो कई लोग तो सब चीज़ की बात चुनते हैं, की करते हैं वचन की भी चुनते हैं, सब चीज़ का ही चुनते हैं। तो कई लोग इदा की बात चुनते हैं कि कोई नहीं इन्हों बोल लैन दो, आप बाद दसांगे कि दसांगे आप बाद दसांगे मिल के उन्होंने कि असी किन्ने दुखी। बोलो, बोलने वाला परमेश्वर तो उदों बोल रहा, तुम उदों क्यों नहीं उन्होंने अपने अगे मन को खोल देते हो? तो कई लोगों की फितरत है, वो अपनी आदत अपने सुभाव में छड़ते नहीं। जो मैं हीलिंग कर रहा हूं, कई लोग मन च रखे हैं जो समाप्ति हो गए मिल के दसांगे असं सर जी किन्ने दुखी हाँ, साडा काम तो वेखो अं आ तो रहे हैं पर साडा काम तो होर की है विगड़ता जा रहा, साडा काम तो होर की होंदा जा रहा विगड़ता जा रहा। बोलो विगड़ना है। मैं अपनी एक टेस्टमनी देना हाँ, कल उस बंदे ने मैं दसिया जिहड़ा कहिंदा सी कि मैं भारा काम नहीं कर सकता। मैंने कुछ समय पहला, मैं प्रभु दे विच ही हाँ, कुछ समा पहला दी गल, मैनू अज शायद मेरी पत्नी सुने तो उन्होंने नहीं पता, मैनू खूनी बवासीर हो गई। की हो गई? खूनी बवासीर। और मैं जो टॉयलेट नहीं जाना, मेरे खून आ रहा, पूरा ब्लड आ रहा और मैं देख रहा कुछ नहीं, ब्लड ऐ डिग रहा और मैं उन्होंने वेख के हस रहा। की कर रहा? वेख के हस रहा। और मैं बोलिया ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं इदा ही बोल रहा सच्ची, जिदा मैं तुम्हें सिखा रहा मैं इदा ही कहा। मैं उन्होंने कहा, मैं अपनी प्रॉब्लम में कहा कि कुछ भी नहीं है, हो रहा ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं रोज जो जाना रोज इदा आना, मैं एक तेरे अच्छे दिल से रोज ब्लड आना। मैं उन्हें कहा हो रहा, ये तो कुछ भी नहीं है, हो रहा। दूजे दिन भी आया, तीजे दिन भी आया, मैं उन्होंने इस तरह ही बोलिया हो रहा ऐदा नहीं है, मेरा खून घट रहा, मैं कमजोर हो जाना। की हो जाना? मैं जो मैंने ताकत जो मैंने सामर देता उस मैं सब कुछ कर सकता। बोलो जय परमेश्वर दास। बोलो सी कहता जो मैंने सामर देता उस मैं की कर सकता, सब कुछ कर सकते हैं असं। पर तू डर अच सुनिया ना, मैं तो कह रहा सी ऐदा वर्शिप सोंग बहुत अच्छा ता। बोलो की सी? सब अच्छी है, आज दी वर्शिप बहुत अच्छी है साडे लई। मेरी किस तरह सी? बेखौफ। कैसे? बेखौफ कर जो तीसरे नंबर का भजन। कैसे सी ये? थोड़ा सा
मेरी जिंदगी अने उतने बोलो बस थोड़ा सा गुनाहों से दबा हुआ खौफ से हरा हुआ निगाहें तेरी ओ लगी हुई फरियादे हैं तुझसे मिली हुई यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं जे तू मुझको छू ले मैं आजाद हो जाऊं और बेखौफ कोई डर नहीं रहे कितना भी क्यों नहीं बटी मुश्किल चाहे छोटी गल है किसी ब्लड आ रहा इस तरह पूरा और मैं उन्होंने बोल रहा हो रहा किया और एक और भी वर्शिप सॉन्ग मैं सब क्योंकि सारे भजन किदे वचन च ले गए अस एक भजन बोले ये भी बोलेंगे हां नहीं नहीं अक के ओ मुड़ जाता है केड़ा भजन है ये थोड़ा सा उचटान है मेरे नहीं आंदा ये हालात हाँ ये थोड़ा सा आंदा ये शैतान जदों ते हर के मुड़ जांदा सब बोलेंगे एक समझ आ जाएगा शैतान जदों ते हर के मुड़ जांदा युक्त नी चल दी ओ दी ते ओ अक के मुड़ जांदा परमेश्वर का राज समझने वाली चीज समझ चुकत नहीं चलती ओदी ते अक के ओ मुड़ जाओ सुनो सारे कोई नहीं है जीवन उधर नहीं है सब ध्यान करो इधर सब ध्यान करो समझ रहे हो सकता मेरे जीवन च या तुम्हारे जीवन च हालात साडे पाप के कारण भी और प्रभु की महिमा के कारण भी पर हर गल विच किदी महिमा पर जे तुम अड़े ते खड़े हो और अपने हालात नाल इसलिए आज दा ये वर्शिप सॉन्ग तू छूले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं डर ताडे अंदर की हो जाएगा जिस चीज तो तू डरदे हो शायद आज दा उत्केंदा ओही ताडे उत्ते की आउंदी पर डरोगे नहीं तो कदी नहीं आएगी दोबारा कदी मुड़के भी नहीं आएगी जब तक ताडा डर ताडे नाल बणिया है बोलो की आ जब तक ता डर सुनो सब सुनो ध्यान जब तक ता डर ताडे नाल बणिया तद तक ओ आउंदा रहेगा की आएगा एक उदाहरण दसा है एदे विषय कोई बंदा सी ओदे घर चोर आंदा सी रोज रात चोरी करदा चोरी चोरी आंदा करन
तो बंदा पूरा फैमिली और बंदा बहुत परेशान है, बोलो कि यह परेशान है। और एक दिन आक गया कि रोज चोरी करता है, कि करता बोलो, वो आक के एक बंदूक ले आया कि जे आऊगा तो अज की करना है। तो चोर नु पता लगा कि लग गया कि वो की ले आया, बंदूक ले आया। जो चोर नु पता लगा तो आएगा नहीं आएगा, अगर बंदूक लैन दी है, अगर किसी ने पहला सुनी होगी गल तो उन्हें पता है। तो चोर नु पता लगा कि वह बंदा बंदूक ले आया अपने घर विच, ते अगर उन्हें पता है कि मैं जावांगा तो मेरी जान नु खतरा है, कि आ बोलो। तो पर एक दिन चोर नु पता लगा और डर गया, तो वह गया नहीं चोरी कर, गया नहीं। पर एक दिन उन्हें पता लगा कि बंदूक ते ले आया पर उन्हें चलानी नहीं होगी, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बोलो कि जो चलानी नहीं आती तो आएगा। इस करके आ तो गए हो प्रभु दे विच, अपने हालात ना लड़ना तो विश्वास करना और उसके सामने टिके रहना, नहीं पता तो तुहाडे जीवन च आंदा रहेगा। इसलिए लिखा आउंदा ये हल शैतान, चुकते नहीं चलती ओदी ते अक के चले जाता, थोड़े समय बाद की हो जाता। बोलो की है, मेरे अंदर बहुत सारिया टेस्टमोनियां, अपना खुद का प्रैक्टिकल अपने जीवन का बहुत सारिया, एक नहीं, एक समय मैंने और भी याद मेरी टेस्टमोनी दें। मैं मेरे दर्द जड़ी मैं दस्या सी पहला, मैं तीन दिन तक बनया और चौथा दिन आ गया और शैतान ने मैनू मंदिरों आवाज आई है कहिंदा जिद ना कर, जा चल जा दवाई लै जाके। मैनू ही पता मैं भी शरीर है, मैं लोहे का नहीं है, तुहाडे वर्गा ही है। यीशु मसीह भी शरीर विच होके दुख उठाया, बोलो कादे विच, शरीर विच। इसे लिखा दी मनसा नु धारण करो अपने जीवन च। यीशु मसीह ने भी शरीर विच होके की कीता, दुख उठाया, समझने उठाया कि नहीं, उन्हें सारे उन्हें चोट नहीं लगती, उदा जो लहू निकलिया दर्द नहीं सी होंदी, बोलो होंदी कि नहीं होंदी, होंदी कि नहीं होंदी। साढ़े नालों ज्यादा दर्द सिया सानी साड़ी खाता, असी तो फिर पाप किते, यीशु मसीह ने कोई पाप किया साड़ी खाता। पर जो तुसी इस तरह बने रहिंदे हो और वधदे हो अपनी उस चीज़ विच, फिर होंदा, पर इदा नहीं चुप बैठे हो फिर कुछ नहीं आएगा, समझते हो। सो इस करके परमेश्वर तुहाडे नाल आ, मतलब कि परमेश्वर तुहाडे साथ आ और किसी भी गल की चिंता नहीं करनी, मतलब कि नहीं करनी, किसी भी गल की चिंता नहीं करनी। इस करके अज तुसीं सब बेखौफ हो, मतलब कि यो सब बेखौफ, बेखौफ, बेखौफ आओ, अपनी अखां नूं बंद करो। असी प्रार्थना चाहवांगे, वैष्णो नहीं नहीं नहीं, सब अपनी प्रार्थना चाहवांगे। सब प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें, सब बातों के लिए, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया और अपने जो कुछ भी सुना, निश्चय आपके जीवन में प्रभु पूरा कर चुके हैं, निश्चय कर चुके हैं, निश्चय हो चुका है। आज का समय आपके लिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में के वचन में लिखा, परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना, उसकी बातों को सुनाया, तो निश्चय आपके जीवन में मराइकल आ चुका है, परमेश्वर का चमत्कार आ चुका है, जिसके लिए आप आए हो, जिसके लिए आप विश्वास करते हो। निश्चय मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, खुशी देने वाला परमेश्वर है, आपको हर हालात से आजाद करने वाला परमेश्वर है, और वो कर चुका है। आपके जीवन की हर घटी को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, आज करेगा और वो कर चुका है सबके लिए। बस आप अपना मन अच्छा करें और अपने मन को उसकी ओर लगाएं, अपने मन को उसकी ओर लगाएं और मांगना शुरू करें अपने जीवन के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए, जो भी कुछ है, सब प्रार्थना करें दिल से, रूह से। लिसो रखा बाबा, लिसो रखा बारी सा रखा बाबा, निसोरिया बाबा, लिशन रा रा बा रा बा रा बा।
अरे बे शाखा लाली संद्रोरिया साका बाबा हले सोरिया बाबा बाबा देखे संग्रिया ना दरिया लकोलो श्याम बाबा बाबा रे बेबे खेबे सरिंद्रोलिया बाबा ली क्षत्रिया हरिया सरखोरिया साका बाबा ले बेबे सारा खतरा तिहोरी संगलिया लखोरी बेबे सारा दुरोरिया साका बाबा होली स्पिरिट धन्यवाद परमेश्वर पवित्रात्मा तेरा धन्यवाद करते मैके के लिए प्रभु प्रार्थना करते जितने भी अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माएं हैं मेरे प्रभु जितनी अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माएं बीमारी की आत्माएं इनको छोड़े और चली जाए मेरे खुदा इनको छोड़े और चली जाए मेरे खुदा छोड़े और चली जाए जिनके बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम है उनके बच्चों के जीवनों से प्रॉब्लम छोड़कर उनको जाती रहे अभी हार्ट के रोगी बीपी के रोगी कैंसर के रोगी हर प्रकार की बीमारी के रोगी यीशु के नाम से चंगे हो जाएं यीशु के नाम से चंगे हो जाएं यीशु के नाम से चंगे हो जाएं जिनको सांस की प्रॉब्लम है सांस की जिनका सांस फूलता है सांस जिनको सांस की प्रॉब्लम है परमेश्वर का आत्मा उनको छू रहा आजाद करें जिनको सांस की प्रॉब्लम है मैंने बोला हो उनको छू रहा परमेश्वर आप अच्छे हो रहे हो आप आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से आप अच्छे हो रहे हो आजाद हो रहे हो रियो सो लखा बाबा रिस दिनियो सो लुखोरिया शिके बाबा अरे बेबे साखा बाबा बाबा रिहो साखा लिया लीली शारा खा बाबा बाबा धीरियो नो रि साखा रली खेरे शकर का बाबा बाबा अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए अपनी बीमारी को बोलो कि यीशु के नाम से निकल और चली जा अपनी बीमारी को बोलो जितने थायराइड के रोगी हैं थायराइड के रोगी बोले जितने भी थायराइड के रोगी हैं जिनको गले की प्रॉब्लम है वो बोले हार्ट के रोगी बोले अपने हाथों को वाइब्रेट बोले और बोले कि मेरे जीवन से बीमारी को यीशु के नाम से बोलो निकल निकल बोलो कि निकल चली जा निकल और चली जा तेरा कोई अधिकार नहीं तेरा कोई अधिकार नहीं है आज अपने मन को फिराओ अपने पाप को मान लो परमेश्वर के साथ जीने का फैसला करो सबसे पहले अपने मन को फिराओ सबसे पहले अपने मन को फिराओ अपने मन को फिराओ अपने पाप को मान लो कि परमेश्वर मैं आपके साथ जीऊंगा आपकी सेवा करूंगा अपने पाप को मानो आपके हर गुनाह को मानो अपने जो भी प्रभु को ना जानते हुए और जानकर जो अपने जीवन में गुनाह पाप किया है आज परमेश्वर आपको आजाद करने वाले हैं आपको फ्री करने वाले हैं मैंने बोला आजाद करने वाले हैं फ्री करने वाले हैं लियो रिसा खा बाबा बाबा रिसा बाबा बाबा बाली शोरिया रिखरी सिंगरे रिया दिनिया से ले लियो रिया सका बाबा बाबा अगर अपना मन आप पूरी तरह दे रहे हो परमेश्वर को अगर अपना मन दे रहे हो कि आपकी जितने भी पत्री रसौली गिल्टी यीशु के नाम से बाहर आ रही है मैं बोल रहा हूं अगर अपना मन पूरी दे रहे हो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा रहे हो आपकी पत्री रसौली गिल्टी यीशु के नाम से बाहर आ रही है बाहर आ रही है बाहर आ रही है बाहर आ रही है बंद पीरियड यीशु के नाम से खुल जाए ओ जो खून के जिनको कमी है वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए आज से निर्बल घुटने वाले जिनके निर्बल घुटने हैं वो यीशु के नाम से निर्बल घुटने वाले जिनके घुटनों में दर्द है यीशु के नाम से सीधे हो जाए टेढ़े अंग यीशु के नाम से सीधे हो जाए बंद आंखें यीशु के नाम से खुल जाए बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए बंद वेंस नाड़ियां खुल जाए यीशु के नाम से खुल जाए यीशु के नाम से आपके आंखों के रोग आपको छोड़कर जाते रहे काला मोतिया चिट्टा मोतिया आपका यीशु के नाम से छोड़े और जाए कलेश की आत्माएं आपको छोड़े और जाए कलेश की आत्माएं छोड़े और जाए लिसोरिया खारी सखा रे बेबे सखा बाबा ली संद्रोरी सखा हरी साला बाबा बा रीढ़ दे हड्डी दे रोगी अगर अपने मन नु फिरा रहे ने ते प्रभु दा आत्मा नु छू रहा है
रीढ़ की हड्डी वाले जिन्होंने रीढ़ की हड्डी च दर्द आ अपने मन में फिराओ और परमेश्वर आत्मा छू रहा है छू रहा उन्होंने रिसोलिया बाबा बरी संक्रोरिया दिनी सोरिया लई शका बाबा धी सोरिया बाबा जिसके रोगी चंगे हो जाए ईश के नाम से पत्री आपके जीवन से निकले पाप की पत्री आपको छोड़े और जाए पाप की पत्री आपको छोड़े यीशु के नाम से अभी इसी समय प्रेशर के साथ आपकी पत्री बाहर आ जाए यीशु के नाम से बाहर आ जाए चेस्ट के जितने रोगी हैं चेस्ट के रोगी वो सब अच्छे हो जाएं चेस्ट के रोगी अच्छे हो जाएं चलो खोल सक जितनों को भी चेस्ट का रोग है वो अच्छे हो जाएं इसके नाम से आज वो फ्री हो जाएं आजाद हो जाएं फ्री हो जाएं आजाद हो जाएं वो फ्री हो जाएं आजाद हो जाएं जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपको तंग करती हैं जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपके सपनों में तंग करती हैं वो आपको छोड़े और आज से जाएं हर बुरी आत्मा हर बुरा ख्याल आपके जीवन में जो सपने में आपके ख्याल में आपको छोड़े और चला जाए आपको छोड़े और चला जाए आपको छोड़े और चला जाए आपके यूरिन की प्रॉब्लम आई जिनको वॉशरूम की प्रॉब्लम है वो आपको छोड़े और जाए पेट के रोगी चंगे हो जाए आपकी पेट की बीमारियां आपको छोड़े और चली जाए आपकी पेट की बीमारियां आपको छोड़े और चले जाए यीशु के नाम से अरे सोरिया ले बे बेसा अरे सोरिया ला की रिशा का बाबा हर जादू टूना हर जादू टूना खलाया पलाया यीशु के नाम से बाहर आ जाए इसी समय अब फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ आपकी रिसोली टूटे और बाहर आ जाए यीशु के नाम से रिसोरिया बाबा बाबा आप अपनी पत्नी की जिनको पत्नी की प्रॉब्लम है अपने पेट पे हाथ रखो और बोलो यीशु के नाम से चाहे आज कोई पहले दिन क्यों नहीं आया जो पत्नी के रोगी हैं जिनको दर्द रहती पेट पे वो अपने हाथ रखें और बोले कि यीशु मैं तुझे ग्रहण करता हूँ पूरे हृदय से पूरे मन से मैं विश्वास करता हूँ मैं करती हूँ ये पाप की पत्थरी है ये पाप की पत्थरी है मेरे परमेश्वर जिसके लिए तूने मेरे लिए अपना कीमती लहू का बलिदान दिया अपने जीवन का बलिदान दिया बोलो उसको पाप की पत्थरी बोलो पाप की पत्थरी यीशु के नाम से निकल मैं आज से यीशु मसीह को अपने जीवन में मैं ग्रहण कर चुका हूं तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर पे बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है बोलो 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 अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए अधिकार से बोलो अपनी पत्थरी को बोलो निकल 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 चली जा यीशु के नाम से बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जा बोलो बोलो अधिकार से बोलो अधिकार से अधिकार से अधिकार से रिसो बाबा लिसोरिया बाबा बाबा रिसंद्रोरिया लेहोरी सक्रोरी सिक्रोरिया बाबा बाबा देनिसली कोरिया सखा बाबा बाबा रे सखोरिया बाबा 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 टाइफाइड के रोगी यीशु के नाम से फ्री हो जाए यहाँ से काला पीले आपको छोड़े और चला जाए लिसोरिया बाबा बाबा दिनिशो रखा बाबा शुगर के रोगी यीशु के नाम से फ्री हो जाए आजाद 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 हो जाए और नशे की आत्माओं को मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से आपके जीवन से निकले और चली जाए और नशे वाली आत्माएं आपको छोड़े और चली जाए यीशु के नाम से मैं परमेश्वर की फायर को रिलीज करता हूँ नशे की आत्मा को होली घोस्ट मैं नशे की आत्मा के ऊपर परमेश्वर की फायर को रिलीज करता हूँ होली घोस्ट फायर बोलो निकल 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 चली जा अपनी बीमारी को बोलो निकल और चली जा निकल और चली जा निकल और चली जा तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे लिए तेरा कोई अधिकार नहीं है
तेरा कोई अंधकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जितने भी कंधे के रोगी प्लीज सो रिया बाबा बड़ी सरिया शुक्रिया बाबा मेरी सखरो या बाबा सब सब जोर से दिल से प्रार्थना करते चल छोड़ 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 निकल गंदी आत्मा बीमारी की आत्मा छोड़ चल यीशु मसीह के नाम से छोड़ छोड़ मैं तुझे कमांड करता हूँ आज्ञा करता हूँ छोड़ छोड़ इस जिस्म को छोड़ 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 चल आलस की आत्मा सुस्ती की आत्मा छोड़ 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 मैं जानता हूँ मैं जान गया हूँ तुझे आज आना पड़ेगा चल 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 छोड़ 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 इसके शरीर को छोड़ छोड़ बोल क्या नाम है तेरा बोल 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 आज तुझे जाना पड़ेगा लिसो रखा बाबा रे सकरी ले कोनी शका बाबा रे बेबे सखरी अली बेबे लिशा ले अरे सकरी रो बाबा रे सखरा रे बाबा बाबा लो बाबा रे सखरा रे जी शक्लोरी बाबा बाबा खड़ी करो खड़ी करो तो खड़ी करो शी बाबा लिशा रियो लोरी शका बाबा रे बोरी शका बाबा रे सत्रो बाबा बाबा लिसो रिया बाबा रे सखरे रिया रखो रे शकली ले जी शका बाबा रिसरोरिया रखा बाबा रे सखरे रिशोरिया बाबा बाबा तिसोरिया री शिंगली री रिसो बाबा बाबा तिसोरिया बाबा चल छोड़ बीमारी की आत्मा वीकनेस की आत्मा बीमारी पैदा करने वाली आत्मा छोड़ इस जिस्म को छोड़ 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 चल यीशु के नाम से इसके बदन से मैं तुझे आज्ञा करता हूँ यीशु के नाम से आज मैं फ्री करता हूँ आउट बी फ्री थैंक यू जीसस लिबोरी शाखा बाबा रिबोरी शाखा ले संद्रो रिहो शाखा बाबा री शाखा बाबा सोरो को लिया शिखा रखा बाबा रिबोरी शाखा बाबा री सही दिनियो सो रखा बाबा रिलियोली शाखा बाबा 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 जो विश्वास से अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं जो विश्वास अपना दे रहे हैं प्रभु को मैंने बोला जो अपना विश्वास प्रभु को दे रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं फ्री हो रहे हैं जो अपना मन परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं जो अपना मन परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं मैंने बोला वो अच्छे हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं जो अपना मन परमेश्वर को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे नाम से अच्छी हो चुकी अच्छा हो चुका मेरी बीमारी मेरे जीवन से निकल चुकी है और मैं फ्री हूँ आज मैं आज फ्री हूँ आज मेरी दर्द तूने ले ली है आज तूने मेरी दर्द ले ली है आज से मैं फ्री हूँ आज से मेरा शुगर की आत्माएं मुझे छोड़कर जा चुकी है मेरे खुदा मैं आज से फ्री हूँ मैं पूरी रीति से फ्री हूँ आज से मैं पूरी रीति से फ्री हूँ मैं फ्री हूँ प्रभु फ्री हूँ आजाद हूँ तेरा आत्मा मेरे जीवन में काम करे तेरा आत्मा मेरे जीवन में काम करे तेरा आत्मा मेरे जीवन में काम करे लो शक थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा बाप आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा बाप रियो लुइशी करा बाबा बस नी बोरी सिक्रिया ला करी शिका थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा ये आपके ऊपर है अगर आपने मन से दिल से इन चीजों को रिसीव किया है अगर आपने मन से दिल से रिसीव किया है मैंने बोला अगर मन से दिल से रिसीव किया है
अब गवाही के साथ आओगे और खास करके आज प्रभु नशे की आत्माएं से आपको फ्री कर रहे हैं। मैंने बोला खास करके मैं बोल रहा हूं कि नशे जो लोग इनके जीवन में नशे हैं वो फ्री हो रहे हैं। नशे की आत्माओं से आप आज पूरी रीति से फ्री हो, पूरी रीति से आज आपको परमेश्वर फ्री कर चुका, आजाद कर चुका है। आज से आपका दुख प्रभु यीशु ले चुके हैं। आप आजाद हो, आप फ्री हो यीशु के नाम से। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं फ्री हूं? नहीं, खाली सिर्फ हाथ नू उठाना नहीं है। बोलो किया, अगर तुसी श्वास किता है, बोलो किया, अगर तुसी मंगया है, बोलो किया, अगर तुसी श्वास किता ते मंगया है, तो प्रभु तानू फ्री कर चुके ने। बोलो प्रभु तानू की कर चुके ने, फ्री कर चुके, फ्री ते गवाही देना आला। बोलो कि आना है, तेरा बोस अच उतर चुका है। मैं आत्मा च वेख रहा कई उपर जो आए सी उन्होंने उत्ते बड़ा एक बड़ा बोझ सी। किन्ने लोग हैं जिन्होंने एक बोझ सी, मैं सुनना चाहना थोड़ा जा, क्योंकि ये बीमारियां पैदा करना चाहता। जिहड़े एक बड़ा वड्डा बोझ लैके आए सी वो आ जाणगे, जिहड़े एक बोझ, क्योंकि असं सुनना चाहते हैं। हाँ, हीलिंग भी है चंगाई, पर बोझ जिन्हों के उत्ते बोझ सी, किस गल का बोझ सी, ताकि दूजियां नूं भी समझ आए। असं सुनांगे उन्होंने उत्ते कौन बोझ सी, पर वो इस समय नहीं है। साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, लाइन बना लो। थोड़े समय बाद सुनो, सारे ध्यान नाल सुनो, थोड़े समय बाद तुहाडे जीवन तो तुसी खुद प्रभु की महिमा वेखोगे, लंगड़े चलणगे, लोग मंजियां ते लैके आउणगे और मंजियां चक के ओ जाणगे। अंधा आएगा और वेखदा हो जाएगा, और ये होने वाला है। बोलो, ये होने वाला है, कि जो असी तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर करने वाला। और तुसी भी अगर नहीं तैयारी की, अगर तुसी अपना चमत्कार अपने जीवन च लैना चाहते तो अपनी तैयारी च आओ, तैयारी विच। किन्ने लोग रोज प्रार्थना करके आते हैं सवेरे, अज के दिन किन्ने लोग प्रार्थना करके आते, पहले मैं देखना चाहता। किन्ने लोग रोज सवेरे प्रार्थना करके आए हैं कि प्रभु अज का वचन मैं समझ आए, अज मेरे जीवन से जो बोझ आ, अज प्रभु तेरे दास के द्वारा ये दीनता है। बोलो ये गल्ला की आ, दीनता, दीनता। अगर तुसी प्रार्थना करके आए कि प्रभु अज का वचन सारा मेरी बुद्धि विच आए, अज दे वचन के द्वारा मेरा छुटकारा आए, मैनू बरकत मिले, अज तेरे दास दे मुख तो जड़ी हीलिंग आए, वो मेरा छुटकारा, मेरे प्रभु मेरे परिवार का छुटकारा या मेरे दुखों का छुटकारा, तो कौन करेगा? थोड़े मंगण तो पहले लिखा जाएगा, वो देवेगा, जड़े जड़े वो ही आए ने जो अस, अगर मैं बोल रहा तो वो समझ जाएगा। क्या अज तो बाद सब इसे तरह होना कि आना है, अज तो बाद सब ने इसे चाहत में आना, ठीक है? बोला गया एक चीज, जो लोग विश्वास करते हैं जो कर लिया तो समझो परमेश्वर आत्मा तुहाडे अंदर आ गया और तुहानू फ्री कर चुका है। तो प्रेरित जी दसते पे ने कि 10-12 दिन तो इन्हों
पापा नूं सट लग गई सी ते कहिंदे मैनूं उहनां दा काफ़ी बोझ सी, परेशान सी। अज जदों संगती विच आए तो कहिंदे कि मैनूं बहुत सारी शांति मिली और सारा बोझ परमेश्वर ने कहिंदे मेरा लै लिया वा। 10-12 दिन तो कहिंदे मेरे कोल बिल्कुल शांति नहीं सी जो अज परमेश्वर ने मैनूं दित्ती आ। और इन्हां दे हत्थां विच जिवें टच करदे सी जां इवें फुलके पकाउंदे सी ते कहिंदे मेरे हाथ इवें टच नहीं सी हुंदे जिवें नपदे ही, तो बहुत दर्द होंदे सी। और कहिंदे कि हुण मेरे हाथां विच कोई दर्द नहीं आ और बिल्कुल कहिंदे परमेश्वर ने वधिया कर दित्ते यीशु मसीह दे नाम च। सवेरे नहाउण लगी हाँ कि मतलब कि साबण लाँदी हाँ तो बजदा है साबण, तो हूँ इस तरह मैं नपदी कुछ नहीं हूँ भी, तो फुलके बना लग्या भी पेड़ा नहीं हूँ भी। सर जी बोल रहे हैं कि साबण लगा लग्या वह भी चुभ रहा है इन्नी दर्द ही, पर हूँ कुछ नहीं। बोले की हूँ कुछ नहीं। प्रेरित जी दसते पे ने कि कुछ दिनों तो इन्हों के पति को काम भी नहीं सी और इन्हों दे में तो झगड़ा सी इन्हों होया। और उस भी जो कहते कि पर मैनू इवें बोझ सी और कहते कि अज परमेश्वर ने मैनू शांति दी हुई आ और सारा बोझ कहते परमेश्वर ने लै लिया वा। और इन्हों के लक में काफ़ी दर्द हो रही थी कहते इस परेशानी के नाल ही, और कहते कि हम इस दर्द तो परमेश्वर ने आज़ाद कर दिता यीशु मसीह के नाम। तारीफ करांगे प्रभु दी। मादगियां प्रभु बाहर कटेगा, ठीक कटेगा थोड़िया कटेगा बाहर। हर कमजोरी का तोड़ यीशु है। बोलो किया हर कमजोरी का तोड़ यीशु नाम है। ठीक है तो प्रेरित दादे बहन के इन्होंने अपने घर में अपने कपड़ों को धोके सुकने पाया सी जो किसी ने मतलब कि सुखा ले रहे, लेकिन विश्वास कर रहे थे कि मेरे से परमेश्वर जो बोल गया तो मैं चंगा कर चुकी हो और विश्वास करते थे और दस रहे थे कि हम मेरे से कोई बोझ नहीं है, मैं फ्री हूँ। इस वजह साबित नहीं ठीक ठीक की हो गया सी किसी ने कपड़े अगर और भी किसी नाल हो गए कि होवे घर दे सारे भी कपड़े चुके लै जाने। बोलो एक नहीं दो नहीं अगर सारे भी लै जाने। बोलो तुहानू भी चुके लै जाना तां भी कुछ होना कुछ नहीं होना क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के नाल की होनी गई चिन्ह मेरा नाम लैके। अगर जहर वाली चीज भी पिया देन उन्होंने कोई कपड़ा दे दूर की गल कोई जहर भी पिया दे तां भी उन्होंने कुछ कुछ नहीं होना। देखो पो जाओ अज बोलिया ना यीशु तू मुझे छू ले मैं बेखौफ हो जाओ। ये सब डर ने दुनिया के जिन्हें तो यीशु मसीह सानू आजाद करने लिए आए। हाँ बोलेंगे और तो प्रेमी से दसते पे ने कि इन्हों का बेटा वा और काफ़ी जिद करता कि उन्होंने मोबाइल फोन चाहिए और मोटरसाइकिल चाहिए वा और इन्होंने चाहते विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का मन बदल चुके ने और इस बोझ ही इन्हों और दूसरा बोझ कहते कि हर समय जो कहते मेरे से दो संडे में दुष्ट आत्मा आ गई और जो पाप ही कहते मेरे मुख तो एवं जो परमेश्वर के दास है और जो सेवक है उन्होंने एवं बहुत माड़ा चंगा बुला और कहते मैं बिल्कुल चंगा नहीं सी लगता जो दसते सी तो इन्होंने भी प्रे की कि परमेश्वर चीज़ तुम मेरे तो बिल्कुल दूर कर चुके होना और कहते कि अज परमेश्वर ने मैंने बहुत सारी शांति भी दी आ और इस गवाही लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर दें। दस दिन
दूसरी बावे दर्द हो लिया और दस ने देखे मैं जो चेहरे आने लगी तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और दस ने देखे चलो पैसे ऑटो को उतरी तो बोलिया कि परमेश्वर के भवन में बन तो पहला ही मेरी गर्दी गैप हो चुकी है तुम अरदास कर चुके हो और दस ने कि जो मैं ऑटो को उतर के गेट के अंदर एंट्री की थी और परमेश्वर ने मेरी पूरी दर्द और दर्द का दिता कि आमेन। तो प्रेरित जी दसते पे ने कि तीन चार दिन हो गए से इन्हों लूज मोशन हो गई से और इन्होंने मैडिसन भी बहुत ज़्यादा ली और कहते कोई फर्क नहीं प्यार अज कहते मैं परमेश्वर अगर प्रार्थना की कि मैं कोई भी मैडिसन नहीं खानी और कहते कि रात में भी अभी मेरा चार दिन तो पेट खराब से और रात भी मैं टॉयलेट जाना पैंता से और अज कहते जो मैं सवेर की संगति में आई एक बार भी मैं टॉयलेट नहीं जाना पाया और कहते कि आंदा परमेश्वर की आत्मा ने मैं छोया और चंगा कर दिता यीशु मसीह के नाच बोलो की आ अगर किसी नूं लूज मोशन आ तो डर दे नाल कदी भी नहीं आएगा पर यीशु तू मुझे छू ले तो मैं बेखौफ सारे डर तुहाडे अंदर बाहर आ जाने जो तुहाडे अंदर कौन आ जाएगा पर उन्हों अंदर आने तो पहला तुसी की करना है बोलो की आ यीशु मसीह नूं आने तो पहला अंदर तुसी की करना है सब तो पहला अपने हर एक गुनाह नूं तुहानूं मनना पैना हर उस पुरियाई उस पाप नूं तनु छड़ना पड़ेगा की करना पड़ेगा हर उस पुरियाई नूं हर पाप नूं तनु छड़ना पड़ना है अपने पुराने जीवन दे स्वभाव नूं लिखिया करनिया समेत किया उतार डालो वचन च लिखिया ना करनिया समेत उतार सुट्टो और नवे को पहन जो नवा पहनेंगे तो कौन आ जाएगा यीशु मसीह आ जाएगा ठीक है सो इस करके परमेश्वर आत्मा तेन सबना छू चुका है मैं खास करके बोल रहा नशे वाले प्लस पत्थरी गिल्टी चाहे कोई भी क्यों नहीं कुछ भी क्यों नहीं अगर तुम सास नाल जाओगे कुछ काम मैं हमेशा तेन दसदा तुहाडे रस्ते विच जांदे जांदे हो जाएंगे की हो जाएंगे कुछ काम रस्ते विच जांदे कुछ काम तुहाडे घर विच कुछ अज रात दी अज रात कुछ कल भी पर हुणे सारे हुणे की आ सारे अज दा वचन सुनिया ना असी बाट जोणी है बोलो की जोणी असी बाट जोणी किदी ओ सच्चे खुदावंत परमेश्वर दी तो अज दी मीटिंग ली प्रभु तुहानू बहुत आशीष देवे आमीन।